हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम चलते हैं, ब्लॉगिंग तो बहुत कुछ कर लिया जगह का, आज कुछ खाने पीने की तरफ चलते हैं। आज खाने का ब्लॉग करते हैं हम और हमारे छोटे भाई तौकीर हुसैन। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी हुई है, ना नाश्ता किया ना रात को भी नहीं खाया, रात को भी थोड़ा सा ही खाया है। अभी जाएंगे, सारा अपना जितना भी अंदर का क्या बोलते हैं देते है, खाने का देते है, वो वहाँ पे निकालेंगे अभी। और देखिए आज लेंगे कुछ अरेबिक डिश कब्सा, और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे चल के। लेकिन यहाँ का मोस्ट फेमस डिलीशियस जो है वो कब्सा है, चिकन कब्सा लेंगे और उसका आज कोई उसके साथ में वीडियो बनाएंगे। चलो फिर चलते हैं, फिर चलो चलते हैं खाने की तरफ, और अब हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं होटल में। सी यू। तो बैठ गए हैं हम गाड़ी में, ये है हमारे साथ कुमार भैया बैठे हुए हैं, भैया जो है ड्राइविंग कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे मताम की तरफ। मताम अरेबिक वर्ड है, हिंदी में वही होटल वगैरह बोल सकते हो आप, होटल। तो हम जाएंगे वहाँ, दिखाएंगे अब क्या क्या डिशेज है, होटल कैसा होता है यहाँ का, काफ़ी क्राउड होता है। अभी तो फ्राइडे है, जुम्मा है, काफ़ी क्राउड होगा क्योंकि सारे जो लोग हैं अब वो नमाज़ पढ़ के डायरेक्ट होटल में ही जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, और फ्राइडे वाले दिन स्पेशली काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो हम भी जा रहे हैं, देखो कितना भीड़ होगा कितना नहीं, वहाँ पर जाके पता चलेगा। कुमार भाई भी जा रहे हैं, कुछ बोलना चाहूँगी आप इसमें? हाँ जरूर जरूर, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। हम वहाँ पे क्या खाने जा रहे हैं, आप क्या खाओगे, यहाँ के खाने का टेस्ट क्या होता है, कैसा होता है, कुछ बताओ इसमें। और चल के वहीं पता चलेगा कि वहाँ पे कैसा टेस्ट होता है कैसा नहीं होता है, यानी चलेंगे वहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे क्या चीज़ है, यानी मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा। अच्छा, नया देखने को मिलेगा। तो आप तो वहाँ पे 7 साल से हो, 7 साल से आपको कुछ नया नहीं दिखा? सही है, लेकिन आज कुछ नया चीज़ खाने का मतलब प्रोग्राम बनाए हुए हैं, कुछ नई वरायटी आज होगी, उसमें किया जाएगा। सिमरा है ये जगह का नाम, जो एरिया है ये सिमरा है। यहाँ पे एक होटल है जो कि अफगानी होटल है, यहाँ पे अफगानी लोग रहते हैं, वही होटल चलाते हैं, वही होटल चलाते हैं। टेस्ट तो का सुना है, बस मैंने तो सुना ही है, बाकी भैया लोग कह रहे हैं टेस्ट इसका अच्छा होता है, बाकी अब चल के देखते हैं कैसा टेस्ट होता है, कैसा खाना होता है यहाँ का। पहुँच गए हम, पहुँच गए हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है होटल में, क्या क्या मिलता है होटल में। देख सकते हो अरेबिक में तो लिखा है, समझ तो नहीं आ रहा होगा, चलते हैं अंदर। अंदर की साइड तो आ गए हैं, क्या ऑर्डर दिया है भैया आपने? हमने लिया है अरेबिक कब्सा, कंप्लीट पूरा मुर्गी है, उसमें दो तरीके के चावल हैं, एक रेड कलर का चावल है, एक वाइट चावल है, और साथ में कुछ वेजिटेबल्स हैं, और कोल्ड ड्रिंक है, पानी है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक को क्या बोलते हैं अरबी में? कोल्ड ड्रिंक को सबको तो अलग अलग बोलते हैं, आसीर कहते हैं कोल्ड ड्रिंक को, कोई भी चीज पीने वाला उसे आसीर कहते हैं। अब उसमें अलग अलग है, हमें सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, हार्ड ड्रिंक चाहिए, वो अलग डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसीर चाहिए। जो यहाँ पे मिरिंडा मिलता है ना, जो इंडिया में मिरिंडा होता है, यहाँ पे उसको हम जियाद बोलते हैं। हम जियाद अभी आएगा, दिखाएंगे। पेप्सी को बेबजी बोलते हैं, बेबजी बेबजी। चलो यहाँ पे थम्सअप और लिम्का नहीं मिलता है। लिम्का क्यों नहीं मिलता? पता नहीं, यहाँ पे इंडिया कंपनी होने के कारण नहीं देते हैं, नहीं मिलता है, ही नहीं, है ही नहीं। किसी से पूछ करके आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, किसी से कोई जानता होगा यहाँ पे मिलता होगा, अगर पूछ करके कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा कि सऊदी अरब में, अगर कोई सऊदी में किसी भी जगह है, हाइल रियाद जद्दा मकाम दरान, कहीं भी है, अगर कोल्ड ड्रिंक में थम्सअप और अगर लिम्का मिलता हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हाइल में तो मिलता ही नहीं। ये हमारा सफरा लग गया, इसे सफरा बोलते हैं, दस्तरखान। ये आ गया हमारा डिश, ये आ गया हमारा डिश शवाया, इसको बोलते हैं शवाया। देखो पूरी खड़ी मुर्गी है साबित, ये पानी आ गया, कोल्ड ड्रिंक आ गया, सब फिल और थोड़ा सब्जी वगैरह जो भी है।
मुशक्कल जो थोड़ा अच्छा है वही मुशक्कल लेके आइए। देखो ये है हम जियाद मिरिंडा है तो अच्छा मिरिंडा पर यहाँ पे इसको बोलते हैं हम जियाद सिट्रस फ्लेवर अपने वहाँ नहीं मिलता इंडिया में मिलता होगा हमने देखा नहीं मिलता है सिर्फ ऑरेंज मिलता है और एक एप्पल मिलता है शायद सिट्रस भी मिलता है कोई दिक्कत नहीं है चलो तुम सब आया सॉस भी है ग्रीन सॉस है ये भी पता नहीं चिल्ली का होगा किस चीज़ का होगा चिल्ली सॉस है देखने में तो टेस्टी लग रहा है अब खाने के बाद पता चलेगा कैसा होगा हाँ ये देखो ये मिर्ची है इतनी बड़ी मिर्ची एक मिर्ची 50 ग्राम की और ये क्या कर दिया आपने देखो कितना अच्छा लग रहा है इसमें एंटीना खड़ा कर दिया चलिए तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं ये खुब्स है इसे खुब्स यानी रोटी बोलते हैं अरबी में रोटी को खुब्स कहते हैं एक पैकेट में 4 पीस होते हैं और अब इसको ओपन किया जाए तो खाना आ गया है अब हम जा रहे हैं खाने पर टूटने आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद ठीक है तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड खाना खाते हुए दिखाएंगे कितना मजा आ रहा है तो ये तौकीर भाई ये टूट पड़े हैं खाने पे वाह चटनी बहुत अच्छी है ये हमारे कुमार भाई ये मुखरी देखो भाई मुखरी बहुत अच्छी है तो कुमार भाई खाना कैसा लग रहा है आपको वाह खाना बहुत मजा लग रहा है भाई अभी तो अच्छी है अभी काफी अच्छी है मैं मुर्गी का एक एक पीस निकाल के आपको दिखा रहा हूँ कितना सॉफ्ट और कितना जूसी है कितना बढ़िया ये कुक हुआ है देखिए ये इसका लेग पीस ये इसका थाई और ये इसका दूसरा लेग पीस देखिए ये विंग्स कितना बढ़िया सॉफ्ट कुक हुआ है देखिए ये देखिए काफी गर्म है एक एक पीस इसके अलग हो गए हैं ये ब्रेस्ट पीसेस हैं देखिए तो फिर कैसा लग रहा है बताओ ना तो इसमें मिर्ची है ना मसाला है बॉइल्ड खाना है और बहुत ही अच्छा है वाह सब्जी में क्या क्या है इसमें पेठा है जो अपनी तरफ कद्दू बोलते हैं और आलू है मटर है और वो क्या बोलते हैं एक गाजर भी है शायद हाँ गाजर भी है और यहाँ पे मुसक्कल सब्जी बोलते हैं मुसक्कल यानी मिक्स वेजिटेबल तो आप देखिए कितना बेहतरीन और कितना अच्छा ये कुक हुआ है मेरा भाई है एक शमशाद उसे ये खाने को बहुत दिल करता है बोलता है कि मैं कभी भी सऊदी अरब जाऊंगा तो ये सवाया जरूर खाऊंगा अभी तो खैर वो दिल्ली में ही है अभी तो वो दिल्ली में ही है अभी बस हम उनको चिढ़ा सकते हैं वीडियो कॉल करके दिखा लेकिन चिढ़ाएंगे नहीं क्योंकि खाने के मामले में चिढ़ाना किसी को अच्छी बात नहीं होती मिर्ची जो है हमने इतना खा लिया लेकिन मिर्ची थोड़ा भी तीखा नहीं है शिमला मिर्च टाइप का है ना हाँ बोल सकते हैं शिमला मिर्च टाइप का लेकिन शिमला मिर्च नहीं है
लाइटली स्पाइसी है, बिल्कुल लाइटली। थोड़ा कोल्ड ड्रिंक खोलो। वाह, इसका टेस्ट कैसा है? जबाती जबाती कितने एक? दो दे दो। कितना बढ़िया है, आप देखिए, देख सकते हैं। लो कुमार भाई, ये क्या कर दिया? कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी बातें होती है। थोड़े दही देखिए, हमने ये ओपन कर दिया, ये देखिए। ये देखिए, अब थोड़ा हम मिक्स करो, थोड़ा सा ये दही है, योगर्ट रामदेव वाली है ना, रामदेव वाली। इधर रामदेव नहीं है, ना तो रामदेव है ना आसाराम है, इधर जो है बस कौन है, मलिक सलमान है और किंग फहद है, अब्दुल अजीज है। ये हमने एक नया डिश बना दिया, आप घर पे ट्राई करना इस टाइप का दही में सलाद, और हल्का अगर पॉसिबल हो तो चीनी और नमक आप डाल लेना, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को तो खैर स्पेशलिस्ट ये बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप देखिए फ्रेंड, क्या बताऊँ आपको, ये दही सलाद और जो ये कप्सा राइस के साथ में इतना अच्छा लग रहा है टेस्ट, वाओ मैं बता नहीं सकता। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। आपको दही कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सुपर। दही पतला है, गाढ़ा है, कैसा है? थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, ऐसे गिरने पर नहीं गिर सकता, थिकनेस ज्यादा है, थिकनेस बहुत ज्यादा है। देखिए 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 कितना क्रीमी है। ये कंपनी जो है, कंपनी जो दही बनाती है, इसका नाम है अल साफी। ये फुल फैट दही है, फुल क्रीम है ये। तो किर बाबू कैसा लग रहा है? आपने बहुत सारा खा भी लिया, खाना खत्म कर दिया आपने आधा से ज्यादा। मैं तो वीडियो बनाने में ही लगा हुआ हूँ, क्या करूँ। कोई बात नहीं, आप लोग खाओ, मैं देख के खुश हूँ। ये देखिए हरी मिर्ची, थोड़ा भी इसमें हरी मिर्च वाला कोई टेस्ट नहीं है। ये प्रजाति पता नहीं यहीं पे है या यहाँ से बाहर भी है, ना तो ये तीखा ही है और ना ये मीठा ही है, बिल्कुल पानी जैसा इसका टेस्ट है। सॉरी है कि वो कौन खाएगा, इतना चावल बच गया है। कुमार भाई बोल रहे हैं कि हमने इतना खा लिया, इतना खा लिया। देखिए और ये बता रहे हैं मेरा हिस्सा है, मैं अकेले कितना खाऊंगा। देखिए आप ये नहीं बोल सकते कि हमने खाना वेस्ट किया है। देखिए हम लोगों ने पूरा का पूरा खाना खत्म कर दिया, रोटी है, दही है, ये मिक्स वेजिटेबल था, पेप्सी, पानी, सऊदी डिश कप्सा था। देखिए पूरा का पूरा खत्म हो गया, जो बचा हुआ है हमारे कुमार भाई खत्म करने में लगे हुए हैं। खाना हम लोग वेस्ट नहीं करते, यही तो मुश्किल है। अरे भाई कितना टाइम लगाओगे, लड़कियों वाली आदत छोड़ दो। तो फिर बाबू जो है अब पेमेंट दे रहे हैं।
हमारा हो गया खाना खत्म, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। देखिए तो आप देखिए, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अभी ये काम चालू है और कैसे डिकोर लग रहा है, आप देखते रहिए, अच्छा लगेगा आपको देखने में भी और ये डिजाइन भी बहुत ही प्यारा बनता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छे दिख रहे हो, सुंदर सुंदर लग रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहे हो, बहुत ही सुंदर। गाला आप लोग जल्दी से बढ़िया से लगाइए हाँ, और डिकोर वो जो है ना डिकोर वहाँ पे दिख रहा है, वो डिकोर जल्दी से फट से लेके आइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ से बकरियाँ तो बहुत हैं पर साला मिलता नहीं है खाने के लिए कभी क्या बताएं, अब खराब बकरी दे देते हैं सऊदी, खाने का दिल नहीं करता है। चलो ना पहाड़िया पे एक बार घुमाई था, जाना था ना एक बार पहाड़िया पे, तन घुमाई देता बाबू, रोज बनारस के पान खियावत है ट्रेन है, तन पहाड़िया पे घुमाई देता एक बार। पहाड़ी पे एक दिन चढ़ेगा तो चढ़ ही जाइए, एक दिन चढ़ब सरवा। दुखी नहीं हो अब राहे तो बकी, अब हम जान नहीं लेब हमार, मैं पंजाबी बोली हो और देखा बचा के देखी देखी कि तक गिर ना जाई। हाँ मर जा थल्ले जान तो भाई, आहो किथे गैप दिखता भाई, बहुत ज्यादा गैप दिखता, माड़ा मोटा तो गैप दिखूगा ही, काम है काम होते माड़ा मोटा गैप दिखता, कोई चक्कर नहीं। चाकतो उठे आ गब्बे आहो सही है, पटोले दिखते नहीं भाई उरे, टका बरका तो पकड़ता ही नहीं। तो हम ये मटेरियल आज ले आए, क्रेन से अभी उतार रहे हैं और यही वाला अभी इसके ऊपर लगाया जाएगा। देखिए मटेरियल आ गया है, ये इटाली का पीस है, इटली का, मेड इन इटली, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। एक पीस उतर गया, ये दूसरे पीस के लिए फिर से हम ये फंसा रहे हैं और इसके सहारे उतारेंगे। इसमें एक बंडल में 240 पीस होता है, दो बंडल है, ये 480 पीस का बंडल है, मेड बाई इटली।
अब आगे का प्रोसेस हम आपको बाद में दिखाएंगे कि इसको कैसे फिटिंग किया जाता है। तो आज है सैटरडे, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, आज हमारा फाइनल डे है। अभी मैं हूँ अल उदई में। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हम अल उदई में एक काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट मिला है गर्मीट का। ठीक है, गर्मीट वर्क मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसका शक्ल कैसा है, कैसा होता है, मतलब लुकिंग में वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो अभी तो फाइनल डे है, आज हमारा काम जो है पूरा फाइनल हो गया है। तो अभी एक लुक आपको दिखाता हूँ कि फाइनल जो इसका लुक है वो कैसा दिख रहा है। ओके, तो दिखाता हूँ अभी। आप कुछ बोलोगे इसमें, कुछ बताना है तो बता दो। हैं, हो गया। तो ये देख सकते हो आपका, ये जो हमारा फाइनल लुक है ये कुछ ऐसा दिखता है। सारे जो गर्मीट है वो हमने लगा दिया है लाइन वाइज, तो आप देख सकते हो लाइन वाइज कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, एकदम सीरीज वाइज है। जो इसका हमने मेजरमेंट लिया था, मेजरमेंट के साथ ही हमने इसका लगाया हुआ है। ये इसका कोना भी हमने बनाया हुआ है, दिख रहा होगा अगर आपको पूरा साफ साफ। तो कमेंट करके बताना एक बार कि कैसा लगा आपको काम। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा बताना, ऑनेस्ट रिव्यू देना जो भी, जैसा भी आपको लगा। बेकार लगे बेकार भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर बताना जरूर। सब रख देंगे अभी, क्या दिक्कत है। तो ये तो हमारा जो दो रूम थे ना, एक तो छोटा था और एक बड़ा था, ये बड़ा वाला है हमारा। तो बड़े वाले में भी कुछ ऐसा ही है, सेम ही लुक है, बस ये इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है और वो जो है वो थोड़ा छोटा है। तो अभी तो इसमें दो लाइन हमने लगाए हुए हैं गर्मीट के, एक ऊपर एक नीचे। इसको बनाने में कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 दिन लग गए हैं टोटल। आज आखिरी दिन था तो आज हमने फाइनल कर दिया। अभी थोड़ा सा टचअप रहता है कोने पे, आप देख सकते हो जो प्लास्टर लगा हुआ है अभी ये साइड में, इसको जाविया बोलते हैं, जो साइड साइड में लगे हैं ना कोने पर, ये थोड़ा डिकोर के लिए लगाते हैं, ये है जाविया। तो अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ा डिटेलिंग देंगे। जो ये सीमेंट लगा हुआ है, तलिश इसको बोलते हैं, तलिश करना, इसको अभी हम डिटेलिंग ग्राइंडर से थोड़ा डिटेल वगैरह काट के फिर इसमें पेंट लगाएंगे ताकि ये उसमें मिल जाए, मतलब अलग ना दिखे। तो ये हमारा फाइनल टच है, बस अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं होगा, बस अब इसके बाद करेंगे पैकअप और सीधा घर को। तो जैसा भी लगे बताना ज़रूर कैसा होगा। अच्छा अच्छा होगा तो अच्छा बताना, ख़राब लगे तो ख़राब बताना, ऑनेस्ट रिव्यू देना। ठीक है, तो बस फाइनल है, अब हम निकलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ का व्यू देख सकते हो अब, अभी 6 बजने वाले, 6 बजने में 10 मिनट है। तो यहाँ का कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, सनसेट, जस्ट ही सनसेट हुआ है। एंड अभी मैं तकरीबन 6 मीटर की ऊंचाई पर हूँ अभी। आप देख सकते हो शिंकू का ऑलरेडी काम हो रखा है। ये अरबी में शिंकू बोलते हैं, इंडिया में तो मे बी शीट वगैरह बोलते होंगे, स्टील शीट वगैरह कुछ ऐसी टाइप का कुछ बोलते होंगे। तो यहाँ का ये व्यू है, व्यू तो अच्छा हो रहा है, काफ़ी शानदार लग रहा है। ये वैसे कलरिश में इसको देखो, थोड़ा पर्पल टोन आ रहा है, पर्पल एंड ऑरेंज, ऑरेंजिश टोन आ रहा है थोड़ा बहुत इसमें, देखने में अच्छा लग रहा है। अभी पूरा एरिया यहाँ पे खाली है, इतना कुछ यहाँ पे है नहीं। आगे जाके आगे उधर सिटी वगैरह है, वहाँ से सिटीज स्टार्ट है शहर। तो ठंड हो गई है अभी, लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो गई अभी यहाँ पे। तो अब हम निकल रहे हैं, बस आपको ये दिखाना था, सोचा दिखा दूँ। काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है। तो बस अभी इतना ही, अभी अभी चलेंगे दोबारा नीचे यहाँ से, देन मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह दिखाऊंगा यहाँ का, कि मतलब कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड गर्मीट वर्क कैसा होता है। ठीक है,
अभी तो स्ट्रक्चर है, अभी जो ट्यूब वगैरह हमने लगाया हुआ है, ट्यूब लगाने के बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम ये देखो, जैसे आप देख सकते हो जो रेडिश जो ये ट्यूब आपको दिख रहा है, अभी तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा हमें यहाँ पे कवर करना है, पूरा यहाँ पे ये कवर होगा। कवर होने के बाद इसके ऊपर से आएगा गर्मीट। गर्मीट कुछ वो पत्थर टाइप का एक होता है, डिकोर जैसा होता है, पता नहीं इंडिया में उसको क्या कहते हैं, इतना तो नहीं पता, पर हाँ एक पत्थर टाइप का होता है, वो वही इस पे लगेगा। तो जब लगेगा, चलो पास से मैं दिखाता हूँ किस क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ। ये रखा भी है मैंने यहाँ पे, देखो ये जो रखा हुआ है, ये इसको कहते हैं गर्मीट। ये है गर्मीट, ये है गर्मीट, ये इसको कहते हैं गर्मीट। अभी जब लगेगा ये तो और भी बढ़िया लगेगा, दिखने में काफी अच्छा लगता है। ये रख देता हूँ और अभी मैं चलता हूँ नीचे, फिर आपको दिखाता हूँ बाहर से इसका स्ट्रक्चर। तो आ गया हूँ अभी मैं नीचे और ये आप देखो बाहर से ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये ऊपर से तो छोटा ही दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये दो फ्रेम जो दो स्लॉट टाइप के हैं, इसमें इसी में गर्मीट लगेगा, एक ऊपर एक नीचे। तो जब लगेगा देन उसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि कैसा लगने के बाद कैसा दिखता है। अभी अभी ये पूरा कवर होगा, ये यहाँ से लेके वो टंकी दिख रहा है ना, वहाँ से लेके वो पूरा कोने तक पूरा कवर होगा। ये जब कवर होगा तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा आपको। वैसे तो अभी तो आज दूसरा ही दिन है, पहले दिन तो खाली मेजरमेंट लेने आए थे इसका साइज़ वगैरह का, तो वो लिया है, एक इसमें बनेगा और एक इसमें बनेगा, इसमें भी। तो अभी टाइम हो गया है ज़्यादा, वक्त हो गया ख़त्म, तो अभी पूरा नहीं हो पाया काम, जैसे पूरा होगा मैं फ़ाइनल रिज़ल्ट अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। और हाँ, ये सब देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करो, ताकि थोड़ी बहुत हेल्प हो और जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपके पास आ जाएगा। ये जो ये जितने वर्क होते हैं, जितने काम होते हैं, कोई दिखाता नहीं है। अगर मैं सच बताऊं तो अपना काम कोई भी नहीं दिखाता, लेकिन हम जो भी काम करते हैं, जो भी साइट पे जैसा भी काम होता है, हम वो सारा कुछ दिखाते हैं अपने चैनल पे, अपने ऑडियंस को, ताकि उनको पता चले कि बाहर क्या काम होता है, कैसे काम होते हैं, कैसे करते हैं और कैसा दिखता है वो फाइनल। आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये गर्मीट सुतरा है, पहले आपको डिजाइन दिखाया था, बिल्कुल प्लेन था, कुछ भी नहीं था। तो चलिए अब हमारे साथ आपको दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और इसके बाद अब हम क्या लगाएंगे, गर्मीट लगाएंगे। लेकिन उसके पहले एक डिकोर आता है सिन्ना, अरबी में सिन्ना बोलते हैं, उसमें लाइटिंग होती है, लाइटिंग के लिए होल किया जाता है, 3 इंच का पाइप होता है और क्या बोलते हैं उसको, LED लाइट होती है जो अंदर में लगाई जाएगी। तो आप ये देखिए स्ट्रक्चर अभी तैयार है, ये पहला वाला है, फ्रंट और बैक दोनों साइड से देखिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये पूरी जो है, अभी सिर्फ ये लोहा लग चुका है और इसके बाद में अभी जो इसके नीचे जो सिन्ना लगेगा डिजाइन, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप यहाँ से स्ट्रक्चर देखिए, फिर आगे चलते हैं दूसरे साइड में। यहाँ तक ये फाइनल हो गया और अब ये देखिए ये कैसे लगाया जाता है। ये देखिए ये इसका राइट साइड है, राइट साइड का भी फाइनल है और ये फ्रंट का भी फाइनल है।
तो आइए आपको अब दूसरा दिखाते हैं रूम, जो दूसरे रूम के ऊपर में अभी वर्क चल रहा है, ये फाइनल हो रहा है। ये देखिए, तो अभी ये रेडी हो गया है। इस टाइप से ये फ्रेम लगेंगे और ये यही वो चीज है जो बेंड की, जो बेंड करके लगाया जाता है, ये आप देखिए। तो आइए आपको दिखाता हूँ, यही वो सीट है जो बेंड करके आया है, इसे लेथ मशीन में बेंड किया जाता है। देखिए, एक इसकी साइज होती है, ये 2 मीटर लेंथ होती है और 35 सेंटी चौड़ाई होती है। यही जो है ये यहाँ पे ऊपर में लग रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, ऊपर में जूम करके दिखाते हैं कि ये कैसे लग रहा है। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो अभी हम आए हैं ये जो हाइल, ठीक है, कफार साइड हम आए हैं। तो यहाँ पे एक हमें प्रोजेक्ट मिला है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर छोटा भी नहीं है, ठीक है, मीडियम है एंड काफ़ी कॉस्टली है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने शायद बताया होगा प्रीवियस वीडियो में कि हमने घरमीट का काम किया था एक जगह, ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी एक बनाना है, घरमीट वर्क ही है। मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखाऊंगा, व्यू वगैरह लोकेशन वगैरह दिखाऊंगा कि कैसा है। अभी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्ट भी नहीं किया, अभी बस ऐसे ही देखने आए हैं, थोड़ा मेजरमेंट वगैरह लेने, ठीक है। मेजरमेंट लेके फिर हम जाएंगे, फिर एक आध दिन के बाद हम यहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे। तो वो काम स्टार्ट करने के बाद आफ्टर, बिफोर और आफ्टर कैसा दिखता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, ओके। तो अभी थोड़ा यहाँ का लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ पे आए हैं कफार साइड, ठीक है, यहाँ का लोकेशन देखो। यहाँ पे भी अभी मौसम तो क्या ही बताऊँ, अच्छा है, काफ़ी अच्छा हवा भी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है, देख ही रहे होगे मेरे बाल उड़ रहे हैं, है ना। तो लोकेशन दिखाता हूँ, यहाँ पे फॉग, काफ़ी ज़्यादा फॉग है, ना ही माउंटेन्स वगैरह दिख रहे हैं, ना ही यहाँ पे कुछ दिख रहा है, थोड़ा बहुत ही दिख रहा है। तो मैं अगले बैक कैमरे से, ठीक है, आपको यहाँ का लोकेशन थोड़ा दिखाऊँगा और फिर ये वर्क प्लेस आपको दिखाऊँगा कैसा है, यहाँ पर क्या करना है। हाँ, तो ये हमारी जो है ये मर्सिडीज़ है, ये जिससे हम काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है। ये मेरे से बड़ी है एज में, ये 1986 की है भैया, कौन सी है ये? 1986 मॉडल है एंड मेरा जो ईयर है 1989 है, तो आप खुद लगा लो कितनी बड़ी है, ठीक है। एंड चलो हम अब अंदर चलते हैं, जो व्यू है, जो लोकेशन है यहाँ का, जो हमें काम मिला है घरमीट का, वो यहाँ पर हमें पूरा घरमीट बनाना है। ये देख सकते हो, ये पूरा इस तरह है, इस तरह मतलब फार्म हाउस, ठीक है, फार्म हाउस को अरेबिक में इस तरह बोलते हैं। तो ये दो ये बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे घरमीट वर्क मिला हुआ है, घरमीट का काम तो यहाँ पे बनेगा। अभी तो मैं आपको बस ऐसे दिखा रहा हूँ, ये अभी बिफोर है, इसके बाद भी जब बन जाएगा तो आफ्टर वर्क आपको दिखाऊँगा, ओके। आप देख सकते हो यहाँ से चारों तरफ से 360 डिग्री आपको दिखाऊंगा, गोल गोल, उधर चलो उधर। इन लोगों के पास यार एरिया बहुत बड़ा बड़ा होता है, पता है, काफ़ी बड़े बड़े, बहुत गरीब आदमी होते हैं ये, ऐसा गरीब तो हर कोई बनना चाहेगा। अंदर से थोड़ा व्यू लेते हैं कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कैसा नहीं। ये मे बी शायद से हॉल वगैरह होगा, हॉल ही है ये, देखो यहाँ पे डेकोरेशन देखो, अभी तो काम चल रहा है। ये ऊपर इसको क्या बोलते हैं भैया, जिप्सम वर्क, जिप्सम बोर्ड है ये, हाँ, लाइटिंग वगैरह सब लगेगा इसमें। इंडिया में भी आपने देखा होगा ये ऊपर लोगों के जिप्सम बोर्ड का वर्क हुआ रहता है। ये इधर कैफेटेरिया है, ये कैफेटेरिया एरिया है यहाँ पे, और ये तो वॉशरूम वगैरह है, वॉशरूम है,
और इधर जो है रूम्स, रूम्स बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अभी यहाँ पे लोग भी काम कर रहे हैं सब, जिप्सम वर्क ही। ये पीछे वाला ये यहाँ का पीछे का व्यू है, ये लेजर वर्क है, लेजर डोर है। ये बीच में जो है ये मशीन से इसकी कटिंग करते हैं। काफी, ये भी काफी कॉस्टली वर्क होता है। ये बैक साइड है यहाँ का, इस तरह का फार्म हाउस का। विंडोज फिट करना बाकी है, अभी विंडोज वगैरह लगेंगे, अभी सब यहाँ पे काम पेंडिंग ही, अभी पेंडिंग इसको करेंगे, बाद में कंप्लीट होगा तो काफी सुंदर लगेगा ये भी। ये जितना खाली एरिया देख रहे हो आप, यहाँ पे ये सारी गार्डनिंग वगैरह होंगी, सारे प्लांट वगैरह पेड़ पौधे यहाँ पे सब लगाएंगे। तो ये है हमारा फिल्ला, ठीक है। ये देखो चिमनी, इंडिया में भी, इंडिया में तो मैंने नहीं देखी है चिमनी वगैरह, पर हाँ यहाँ पे ये लोग बनवाते हैं इनको, मतलब क्या कहते हैं वो, जैसे पुराने जमाने का तंदूर चिकन टाइप, हाँ वो तो तंदूर चिकन टाइप का ये है, इसमें वो करते हैं। इनको पुराने जमाने का जो स्टाइल होता है ना, वो इनको काफी पसंद है, तो वही लोग, ये लोग रिन्यू करवाते रहते हैं अपने स्टाइल में। तंदूर चिकन, तंदूर चिकन, इसमें चिकन फ्राई करेंगे, चिकन रोस्ट करेंगे चिमनी। तो फिलहाल तो यही है, बाकी जो होगा वर्क वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, जो आफ्टर इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अभी मैं हूँ अलवादी में। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुझे एक गर्मीट वर्क मिला है, वो है अलवादी में। आज दूसरा दिन है, तो अभी स्ट्रक्चर वगैरह तैयार हो रहा है, तैयार आधा तो तैयार हो गया है, बाकी अभी टाइम हो गया है, तो अभी हम निकल रहे हैं। तो अभी सोचा आपको थोड़ा यहाँ का व्यू दिखा दूँ, यहाँ का कैसा व्यू है। अभी तो फ्रंट कैमरे से मैं ऑन हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा, जो कि बैक कैमरे से आएगा। काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ का, अभी सनसेट हुआ है जस्ट, और ठंड भी यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है, अप्रॉक्स 7-8 डिग्री अभी होगा यहाँ पे ठंड। लाएंगे, कल फ्राइडे है तो मे बी कल ऑफ होगा, तो इसलिए हम सैटरडे को आएंगे। अभी आधा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितना हमारा काम रेडी हुआ है, एंड देन उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो मैं आपको यहाँ का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है? आज फ्राइडे है, आज छुट्टी है, तो सोचा एक वीडियो बना लूँ। आज मैं आया हूँ हाइल पार्क में, कुमार भैया के साथ आया हूँ, ये भी मेरे साथी हैं। इधर देखो, ये सब बोलो कुछ, आइए हम चलते हैं पहाड़ियों की तरफ, यहाँ पे दिखा रहे हैं पहाड़ की वादियाँ, आपको दिखाएंगे कि पहाड़ की वादियाँ कैसी होती है। पार्क है बेसिकली, काफ़ी अच्छा पार्क है इसमें। तो थोड़ा ये डेकोरेशन यहाँ पे हो रखा है, वो आपको दिखाऊंगा कैसे है, क्या क्या है। एंड यहाँ पे एक वाटरफॉल भी होता है, शायद आज फ्राइडे है तो मे बी शायद खुला होगा, हो रहा होगा, वो भी दिखाऊंगा। देख सकते हो ये पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है। इधर पीछे के साइड भी है, ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है किले टाइप का, तो उसके तरफ मैं लेके चलता हूँ, दिखाऊंगा कैसा है। काफ़ी बढ़िया पार्क है, खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है। क्या हुआ? हाँ सब दिखा रहा हूँ। ये सामने ही शोरूम है, काफ़ी कंपनियाँ यहाँ पे, योकोहामा, हैंकॉक, होंडा, सारे शोरूम हैं। ये पार्क है, सारे इधर फैमिली आके इधर बैठते हैं, सऊदी फैमिली आते हैं यहाँ पे। वैसे तो वीडियो बनाना इधर ऐसे मतलब अलाउ नहीं होता, फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं दूर हूँ, तो इतना कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। ये थोड़े हाइट पर आ गया हूँ मैं,
सा स्ट्रक्चर है, ऊपर किले टाइप का है, देखने में अच्छा लग रहा है। और ये पार्क का व्यू, इधर मेन रोड है, पार्क है, इधर ही पास में ही पेट्रोल पंप भी है। बढ़िया लग रहा है, वैसे पता नहीं इसको क्या कहते हैं पर किले टाइप का है, अच्छा लगता है देखने में, तो मैंने वीडियो इसके बना लिया। अभी तो यहाँ पे जो वाटरफॉल होता था वो नहीं हो रहा, अभी बंद किया हुआ है। वैसे हर फ्राइडे को होता है, रेगुलरली भी होता है, पर आज नहीं हो रहा, यहीं पे होता है, अभी बंद कर रखा हुआ है। इधर सऊदी फैमिली आते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। ये हमारे कुमार भाई आ रहे हैं, उतर गए थे, मुझे छोड़ कर चले गए थे, अब देखो वहाँ पे जाके बैठ गए छाँव में जाके बैठ गए कि भूखना लगे। चलो इनके पास चलते हैं। इधर क्यों बैठ गए? ये चार सीढ़ी चढ़ के थक गए, चार ही सीढ़ी है यार, तो चार ही तो है। अच्छा ये काफी डाउन है, ये देखो यहाँ से इसके बाद भी नीचे है, नीचे। इसको क्या कहते हैं, ये घिसला कि क्या है? ये रजवाड़ों की पुरानी चीजें हैं। यहाँ पे आया यार, वो तो हो नहीं रहा, वाटरफॉल तो हो नहीं रहा, हर फ्राइडे को तो होता है, पता नहीं आज क्यों बंद किया हुआ है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? ये मत पूछो कितना टाइम, नहीं हुआ बहुत टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? ज्यादा नहीं हुए, 2-3 महीने हुआ। 2-3 महीने घर जाने का दिल करता है। क्यों घर जाने का क्यों दिल करता है? घर जाने का दिल क्यों करता है वो बताओ। घर जाने का दिल किसको नहीं करता है, सब आप को दिल करता है। अच्छा क्या करते हो यहाँ पे? ये देखो ये सऊदी है, जा रहे हैं टाइम स्पेंड करने, जाएंगे कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे, ड्रिंक पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हैं। नहीं नहीं उतना रिस्की काम नहीं करते। चलिए चलते हैं पार्क की तरफ। हाँ पार्क की तरफ क्या करोगे, उधर लेडीज बैठी हैं। कोई ना, आज लेडीज से बात कर लेते हैं। हाँ हाँ लेडीज से बात कर लेते हैं। ओए ऊपर चले। तो जैसे कि अभी आपको मैंने थोड़ा व्यू दिखाया है यहाँ का, एक कैसल टाइप का है, एक किले टाइप का है इधर पीछे, ठीक है। देखो बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, सऊदी के बच्चे हैं वो। तो इधर इधर मतलब पार्क के सामने ही काफ़ी सारे कंपनीज वगैरह, जैसे होंडा मैंने दिखाया आपको, इसके आगे हैंको के टायर कंपनी है, उसके आगे भी काफ़ी सारी कंपनी है। ये पेट्रोल पम्प है इधर, पेट्रोल पम्प को अरबी में महत्ता बोलते हैं, ठीक है। इधर ATM भी है यहाँ से, इसकी एक खास बात है, यहाँ से जितने पैसे, जितने मर्जी पैसे आप निकाल सकते हो, बस उतने पैसे आपके बैंक में होने चाहिए, जब ही निकल पाएंगे, ठीक है। बाकी तो पार्क का व्यू मैंने थोड़ा आपको दिखा दिया, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। इधर यार वाटरफॉल नहीं हो रहा, हर दिन तो रेगुलरली मैं देखता हूँ होता है वाटरफॉल, पर आज पता नहीं क्यों शायद नहीं चालू किया यहाँ पे वाटरफॉल। ऐसी बात नहीं है, दोबारा मैं फिर बनाऊँगा, अगर जिस दिन चालू होगा मैं फिर आऊँगा दोबारा दिखाने के लिए, क्योंकि जो व्यू होता है काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ का। एक बार मैं सामने से भी इसका व्यू दिखा दूँगा कैसा व्यू दिखता है, पीछे का तो मैंने आपको दिखाई दिया सब, इधर पार्क वगैरह का। बाकी चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर इसके बाद इतना ही, खैर वीडियो में इतना ही होगा, आज ज़्यादा नहीं होगा। पार्क में आया था इस वजह से सोचा थोड़ा वीडियो बना के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लोगों के बैठने की जगह है, ये चेयर वगैरह बना रखा है यहाँ पे, यहाँ पे बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, टी कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। कुमार भैया पीछे पीछे आ रहे हैं, इमारत पुरानी इमारत है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें शायद होटल है
होटल टाइप है, होटल को अरबी में फंदूक बोलते हैं। तो ये जितना भी आपने व्यू देखा ये सारा हाइल सिटी का व्यू है, ठीक। इसके बाद इसके आगे हम बाहर भी जाएंगे हाइल सिटी से बाहर, तो उसका भी मैं अपडेट देता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा एंड अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, दबाना मत भूलना, और प्लस बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। चलो होने के बाद हम आपको दिखाएंगे। ओके बाय, कैसा दिखेगा। ओके बाय 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 बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलोवर भी बनाइए इसमें। परंतु अब हम निकल गए हैं, ये नेशनल हाईवे है जो सीधा रियाद, कसीम, जद्दा, मक्का जाती है। देखिए यहाँ पे स्पीड लिमिट या कैमरा लगा हुआ है, स्पीड लिमिट जो है रोड 110 का है। अगर 110 से ऊपर जाएंगे तो इसमें 500 रियाल का फाइन है, वन टाइम 500 रियाल, और इसकी जो वैलिडिटी होती है एक महीना होता है भरने का। अगर एक महीना में नहीं भरेंगे तो फाइन डबल हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड, ये स्पीड लिमिट 110 का आपको थोड़ा दिखाई देगा, अगर इसके ऊपर जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये रोड सीधा जो है बुरेदा, कसीम, मक्का, मदीना, ये नेशनल हाईवे है। और हम लोगों को जाना है अभी हाइल सिटी के अंदर में सबाबा, सबाबा में जाना है। सबाबा जो है एक विलेज बोल सकते हैं, जो हाइल सिटी में एक सबाबा जो है एक तरीके विलेज है। अब हम सबाबा जा रहे हैं, तकरीबन हमारी 20 किलो या 25 किलोमीटर की दूरी होगी। रोड आप देखिए, रोड कितना नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, कोई भी कचरा, डस्ट या पन्नी में जो भी खाक इधर उधर फेंक देते हैं वो सब कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे उसके लिए भी फाइन है, अगर रोड में अगर हम कुछ खा के फेंक देते हैं पन्नी में बांध के, या पेप्सी बोतल खा पी के, या जूस बोतल जो भी है, या सिगरेट के डंडे तक अगर फेंक देते हैं तो इसके ऊपर भी फाइन है। और फाइन कितना है, वन टाइम पकड़े जाने पे 500 रियाल, सेकेंड टाइम पकड़े जाने पे 1000 रियाल। ये देखिए स्पीड लिमिट जो है 110 है। ये जो कंपनी है अलमराई, एक ये जूस कंपनी है, बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, पूरे गल्फ में इसकी सप्लाई है। देखिए कितनी बड़ी गाड़ी है जो ये कैमरे के अंदर भी नहीं आ पा रही है। इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 मीटर होगी। और एक ये पहाड़ के ऊपर रिसोर्ट बना हुआ है, काफी कॉस्टली रिसोर्ट है। कुछ यहाँ पे ज्यादा दुबई के जैसे आपको डेकोरेटिव तो नहीं है, बट काफी फ्री और खाली स्पेस इधर पड़े हुए हैं। ये रिसोर्ट है, पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ से तकरीबन 40 फीट ऊपर होगा, जमीन से 40 फीट ऊपर। और ये हमारा एयरपोर्ट रोड है जो सबाबा के रास्ते में पड़ता है। यहाँ से हम एयरपोर्ट के लिए कट जाएंगे, और एयरपोर्ट यहाँ से 2 या 2-3 किलोमीटर की दूरी पे होगी। साउंड क्लियर तो नहीं होगा क्योंकि मैंने गाड़ी का शीशा खोला हुआ है। और एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है स्पीड, सीट बेल्ट और ये कैमरे के लिए यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे फोन से बात करना गाड़ी चलाने के टाइम में, ये गाड़ी चलाने के टाइम में फोन से बात करना या सीट बेल्ट ना लगा के रखना, इसके ऊपर भी 500 का फाइन है, 500 सऊदी रियाल। इंडियन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 11,000 रुपए बनते हैं।
आपने सुना होगा कि दुबई में लुलु मॉल खुला हुआ है और ये देखिए लुलु मॉल यहाँ पे भी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ लुलु मॉल हाइल में भी है मैकडोनल्ड्स और ये देखिए लुलु हाइपर मार्केट। ये अपने दुबई के हैं एक शेख, उन्हीं का ये मार्केट है और वो रहने वाले केरला के हैं। ये देखिए लुलु हाइपर मार्केट, यहाँ पे एक नई मस्जिद बनी है, काफी पुरानी तो नहीं है, नई मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद अल राजी, हाल की सबसे बड़ी और फेमस मस्जिद है और बहुत खूबसूरत भी है। हम वहाँ पे किसी दिन जाएंगे, उसका वीडियो अंदर से बना के आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन अभी अभी हम काम के पीरियड में है तो अभी जा नहीं सकते। और ये देखिए स्पीड लिमिट, ये कैमरा है और स्पीड लिमिट ये देखिए 100 है, 110। और ये हमारे छोटे भाई ये तौकीर है जो अभी गाड़ी चला रहे। ये देखिए अभी हम लोग अंडर पास में है, आपको मैं दिखा रहा हूँ अल राजी मस्जिद, यही वो अल राजी मस्जिद है, बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, काफी प्यारी है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी काफी स्पीड है, तो थोड़ा नेक्स्ट टाइम में हम इसकी वीडियो जरूर बना के आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग आ गए हाई अल सलाम, ये सब बाबा से पहले है और ये जितने भी पहाड़ आपको दिख रहे हैं ये सारे सब बाबा के अंदर में आते हैं। ये काफी बड़े पहाड़ है और काफी हाइट में है, इनकी अप्रोक्स अगर बताया जाए तो लगभग 6 से 8 हजार फुट ऊंचे ये पहाड़ होंगे। हाय फ्रेंड, तो हम अपने वर्क साइट पे आ गए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिला है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा भी नहीं है, ठीक है, और इसको कहते हैं मजरा। यहाँ पे हमें ये चीज़ बनाना है जो बकरी रहती हैं उनके लिए, घोड़े रहते हैं और जो ऊंट रहते हैं उनके रहने के लिए घर बनाना है। थोड़ा उधर जनरेटर का साउंड बहुत ज़्यादा आएगा तो आवाज़ क्लियर नहीं हो सकती है, तो कोई बात नहीं, आप देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे ये तीन गुरफे हैं, गुरखा यानी रूम, यहाँ पे तीन रूम्स हैं, ये पहला डोर, ये दूसरा और ये लास्ट में तीसरा, इनके जाली लगेगी ताकि कबूतर मुर्गी बाहर ना निकले। ये जाली लग रही है, अभी ये एक रूम कंप्लीट हो गया है। इधर जो हाफ पार्टीशन खुला है यहाँ पे वो सिंकू लगेगा, जिसे मैंने बताया था अभी चादर, वही लगेगा। ये देख सकते हैं ये तीन रूम्स कंप्लीट हैं। इस सेट के नीचे घोड़े रहेंगे और ये अंदर भी इनके रहने के लिए एक रूम में एक घोड़े रहने के लिए जगह है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये फ्रेम बना हुआ है, कंप्लीट होने के बाद का वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। इसने जो है ना, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें वो कबूतरों के लिए बना घर बना रहे हैं, इसमें कबूतर रहते हैं, ठीक है, इसमें कबूतर का डालेंगे यहाँ पे जो सऊदी होते हैं ना, इसमें कबूतर रखेंगे और कबूतर रख करके उसको यानी मतलब बच्चे निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये है दूसरा रूम, इसमें मुर्गी जो होती है ना, मुर्गियाँ, वो मुर्गी रखते हैं सऊदी अपने खाने पीने के लिए, ठीक है। और ये देखिए ये जो रूम है तो इसमें मुमकिन बकरी रखेंगे या फिर बकरी भी रख सकते हैं, ठीक है, इसमें बकरी के बच्चे बच्चे जो होंगे ना, बकरी के जो बच्चे होते हैं वो इसमें रहेंगे, ठीक है। बाकी जो बड़ी बड़ी जो बकरियां रहती हैं यहाँ पे सऊदी अरब की, जो बड़ी बड़ी बकरियां हैं वो सब, उसके लिए ये रूम बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रखते हैं, जो एक भेड़ होती है एक सऊदी बकरी होती है उसके लिए यानी मतलब अलग अलग डिवाइड किया गया है, और जो बकरियां वहाँ पे जो बच्चे उच्चे देंगी यहाँ पे दाना उन लोगों के लिए रखा जाएगा, दाना खाने उने के लिए, और यही सब बना रहे हैं हम लोग। ये जो बीच में ये शेड बना हुआ है ये, अच्छा, इसमें यानी मतलब जो उसमें बकरियां जो खाना उना उधर चारा रखा लेंगी तो आकर के यहाँ पे बैठेंगी थोड़ा धूप लेने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे साइड इंजीनियर थे इंद्रजीत कुमार जी, और इन्होंने ये पूरा अभी डिजाइन करके बनाया है,
और अभी थोड़ा काम बाकी है और ये कंप्लीट होने के बाद हम आपको दिखाएंगे। ओके बाय, कैसा दिख ओके बाय 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 बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलोवर भी बनाइए इसमें। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो में दिखाया था कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो एक में पिजन का है और दूसरे में हॉर्स है और गोट्स है। तो आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था कि स्ट्रक्चर कंप्लीट होने से पहले उसके आयरन्स वगैरह मटेरियल हमने कैसे लगाया है। अब ये फाइनल होने अब फाइनल हो गया है काम। अब आपको दिखाते हैं कि फाइनल के बाद ये कैसा दिखाई देता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो फाइनली जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है, पूरा फाइनल हो गया है। तो हम अब एक एक बारी करके सब कुछ देखेंगे कि क्या बना है और कैसे बना है, ठीक है। तो पहले वाले पार्टीशन में चलते हैं। पहला वाला पार्टीशन किस चीज़ का था? पिजन और हेंस का, ठीक है। तो उसमें चलते हैं। ये बाहर से देखिए, बाहर से ये ऐसे दिखाई देता है। ये इसकी हाइट 2 मीटर है और ब्रेथ जो है ये 17 मीटर है साइड से, और फ्रंट से जो है ये 14 मीटर बाई 2 मीटर का है। और अब अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, ये अंदर का पार्टीशन है। इसमें ये जगह जो है 14 मीटर बाई 17 मीटर का जो खाली है, और ये रहा, ये पहला रूम है और ये दूसरा रूम। ये पहला जो था ये पिजन के लिए है और ये दूसरा जो है ये हेंस के लिए है। हम आपको एक एक चीज़ ओपन करके दिखा रहे हैं कि कैसा बनना है ये, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको काम कैसा लगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें भी थोड़ी हिम्मत मिलती है कि चलिए हमारे मेहनत करने का कोई तो रिजल्ट मिलता है, किसी को तो कुछ काम समझ में आता है। ये तीसरा रूम है, तीसरा एक्स्ट्रा है। इसमें इनके खाने पीने के लिए पिजन्स और हेन के लिए मटेरियल वगैरह रहेगा, खाने पीने का सामान, और बाकी एक्स्ट्रा इन फ्यूचर कुछ और भी रख सकते हैं। तो बाहर चलते हैं दूसरे में। दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा है। दूसरा पार्टीशन जो है ये 17 मीटर लंबा है, काफ़ी लंबा है, कैमरे में भी नहीं आ रहा है, मुझे काफ़ी पीछे होके दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। और ये हॉर्स के लिए जो है ये सेट्स बना है, ताकि जो घोड़े इसके नीचे रहेंगे उन्हें धूप वगैरह ना लगे। और ये जो है पहला रूम, ये इसमें हॉर्स रहेंगे, ये पहले वाले में, उनको रहने के लिए नाइट में इधर और डे में इधर सेट्स के नीचे रहेंगे। ये दूसरा रूम, इन सब के अंदर में यही रहेंगे। और ये तीसरा, आपको एक रूम को अंदर से दिखाते हैं स्पेस कैसा है, क्योंकि हमारा तो काम अभी फाइनल हो गया है। अभी इसमें नीचे में कंक्रीट होगा और ये फर्श वगैरह भी ये बनेंगे, तो ये जो है मेसन का काम है, ये मेसन आएंगे तो वो ठीक करेंगे। हमारा काम जो था ये फाइनल हो गया है, अभी मेसन का काम बाकी है। ये मेसन आने के बाद ये फर्श वगैरह करेंगे। और ये तीसरा रूम, स्पेस काफी बड़ा है। ये तीसरा रूम, ये एक रूम 4 मीटर बाई 4 मीटर का है और हाइट जो है 3 मीटर 80 सेंटी है, यानी नियर अबाउट 4 मीटर में 20 सेंटी कम। देखिए ये अंदर से काफ़ी बड़ा स्पेस है, इसमें आराम से जितने भी हॉर्स हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से रह सकते हैं। और ये फ्रंट से देखिए, ये अंदर का व्यू है, ये फ्रंट से ऐसे दिखाई देते हैं। ये देखिए, आप कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है और आपको क्या समझ में आया, इसके बारे में भी हमें बताएं। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, अगर नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा हम भी मायूस हो जाते हैं, कितना मेहनत करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो है ये, इस जगह का नाम है हगरुसेन, हाल से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई लोग, जैसे आपने सारा काम हम देख लिया, ठीक है, हमारा फाइनल काम है, अब ये आखिरी दिन हमारे यहाँ पे, अब नहीं आना होगा। तो सब कुछ आपको एक एक बारी में हमने करके दिखा दिया। थोड़े कपड़े गंदे हैं, इस काम में थोड़ा कपड़ा गंदा ही रहता है तो उसको इग्नोर करना। बाकी चलो अपने स्टार कास्ट से आपको मिलवाता हूँ, हमारे स्टार कास्ट जो है यहाँ पे, कुछ बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स? तो ये है हमारी टीम मेम्बर
जो हम लोगों ने मिल के ये पूरा काम किया है, और इस काम को करने में हमें लगभग 8 से 10 दिन लग गए। तो कुमार भाई आप कुछ बोलिए। कुमार भाई हमारे लगता है शर्मा गए, शर्मा गए। अब वो कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कुमार भाई बोल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको जरूर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सदीक कोइस, अल्हम्दुलिल्लाह कोइस जिंदा आईवा कुल्लू कोइस, अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लू कोइस आईवा कुल्लू कोइस अल्हम्दुलिल्लाह मियां 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रन 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 सदीक। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड अभी जस्ट उठे ही हैं, फ्रेश होके आया हूँ मैं, ठीक है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये सऊदी अरेबिया में क्या है, इंडिया और सऊदी अरेबिया में 2.5 घंटे का फासला होता है। अगर यहाँ पे 7 बज रहे हैं तो वहाँ पे 9:30 बज रहे होंगे, तो कुछ टाइम का चेंजेस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट उठे हैं अभी, फिर रेडी होंगे, फिर जाएंगे हम अपने वर्क साइट पर, ठीक है। फिर हम ट्राई करेंगे कुछ आपको नया एक्सप्लोर करवाएं, नया दिखाएं। तो इसके लिए थोड़ा आप सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अभी तो 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 डिग्री भी चला जाता है, ठीक है, 2 डिग्री भी हो जाता है। तो उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पूरा जो एरिया है वो फॉग से ढक जाता है काफ़ी ज़्यादा। और एक और चीज़ बताता हूँ, फॉग को अरेबिक में बोलते हैं दुबाब, दुबाब बोलते हैं फॉग को, ठीक है। तो यही है, अभी मौसम भी आप देख सकते हो काफ़ी साफ़ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो मौसम क्लियर है। अभी जाएंगे साइट वर्क पे, फिर आपको दिखाते हैं नई नई चीज़ें, फिर एक्सप्लोर कराते हैं, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को भी और हमको भी, ठीक है। आप नई नई चीज़ें दिखोगे, हम नई नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। जो भी न्यू एक्टिविटी हम करेंगे वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए, अभी के लिए इतना, देन जब हम रेडी होकर निकलेंगे देन फिर हम दोबारा मिलेंगे, ओके। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? जैसा मैंने आपको बोला था, हम थोड़ी देर में वर्क प्लेस के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो हम आए हैं एक हमारे पुराने क्लाइंट के फार्म हाउस में, ठीक है। तो ये उसका फार्म हाउस है, अब मैं दिखाऊंगा, अभी पूरा दिखाऊंगा घूम के कि कैसा इनका फार्म हाउस होता है, माजरा होता है, ठीक है। बेसिकली खेती बाड़ी होती है यार यहाँ पे, ठीक है। तो और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, ये नहीं कि छोटे छोटे होते, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इतना बड़ा होता है कि इसमें 4-5 बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो जाएं, इतने बड़े बड़े एरिया होता है इनका, ठीक है। और साथ ही में इनका जो फार्म हाउस होता है होता कैसे है बेसिकली, ठीक है, वो भी आपको दिखाऊँगा कि मतलब कैसे ये लोग अपने फार्म हाउस को डिज़ाइन करते हैं। और ये तो आए हैं, छोटा सा यहाँ पर काम था हमारा, ठीक है, काम के लिए बुलाया हुआ था। तो प्रोजेक्ट जो था वो तो खैर ख़त्म हो गया है, इस वजह से थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए देखने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का लोकेशन, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये सब, ठीक है। काफ़ी प्यारा यहाँ का लोकेशन है, मौसम भी एकदम साफ है, देख सकते हो। और ये है इनका फार्म हाउस, ठीक है, ये बैक साइड है, अभी आपको फ्रंट साइड भी दिखाऊंगा, ठीक है। जो यहाँ के रेख देख करते हैं वो घूम रहे हैं इधर, वो जा रहे हैं, वो सूडान से हैं, काफ़ी अच्छे आदमी हैं, ठीक है। तो यही है, देख लो, ये जो है, ये जो पेड़ है ये खजूर का पेड़ है, देखो। अभी तो ये छोटा है, अभी ये धीरे धीरे बड़ा होगा, टाइम लगेगा इसमें। ये खजूर का पेड़ है, जब बड़ा हो जाएगा तो गर्मी से इन पे खजूर निकलते हैं, ठीक है। खजूर को अरबी में बोलते हैं नखल, ठीक है, नखल बोलते हैं खजूर को। तो ये है लोकेशन, आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा लोकेशन है और काफ़ी बड़ा भी है, देख सकते हो। हाँ, है ना खूबसूरत,
आगे से मैं आपको ये दिखाता हूँ जो इनका गुरफा जो घर होता है ठीक है वो कैसा होता है जो फार्म हाउस का होता है। हर तरीके की खेती बाड़ी करते हैं। देखो यहाँ पे धनिया भी उगाते हैं, धनिया भी उगाते हैं, मिर्च भी उगाते हैं, हर एक चीज़ उगाते हैं यहाँ पे ठीक है। वो मैं आपको सब टाइटल में बता दूंगा ठीक है, जो मैं मेंशन करूंगा उसमें बता दूंगा कि किस किस को क्या क्या कहते हैं। अभी ये देखो ये मुझे तो नहीं पता ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, पर आप देख सकते हो आप लोगों को पता होगा मे बी शायद से टमाटर होगा या फिर बैंगन का पौधा होगा ये। ये देख सकते हो और भी है, ये देखो धनिया, ताज़े ताज़े धनिया हैं, ये देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। और भी है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने मिर्च उगाया हुआ है, अभी देखो रेड रेड से आ रहे हैं छोटे छोटे, देख सकते हो रेड चिल्ली, ये सब। और जो इनका फार्म हाउस है वो है ये है फ्रंट व्यू है, आप देख सकते हो कितना बड़ा है, देख लो काफ़ी बड़ा है साइज में, है ना प्यारा। और ये जो ऊपर ये जो लगा रखा है इन लोगों ने ऑरेंज ऑरेंज, इसको अरबी में गर्मीट बोलते हैं, ये गर्मीट वर्क होता है, ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है ठीक है। ये भी हमने बनाया हुआ है, इसमें थोड़ा टाइम बहुत लगता है बनाने में, टाइम ज़्यादा लगता है एंड कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है इसकी ठीक है, एंड उसी हिसाब से प्रॉफिट भी होता है ये है। और जो अंदर वो गाड़ी खड़ी है टोयोटा की हाइलक्स, वो उन्हीं ओनर की ही है, अंदर हैं वो आए हुए हैं ये है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये जो माजरे में क्या होता है मेनली, यहाँ पे ना पानी का सप्लाई बहुत कम होता है ठीक है, दूर दूर तक पूरा एरिया जो है वो खाली रहता है, खाली मतलब ना किसी का आना ना किसी का जाना ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये मतलब माजरे में ही ये अपने फार्म हाउस पर ही ज़मीन पर ही काफ़ी बड़ा वो टैंकर बनाते हैं पानी का, आप देख सकते हो कितना बड़ा टैंकर बनाया हुआ है, पूरा पानी का ही टैंकर है पूरा, इसमें पता नहीं कितने हज़ार लीटर पानी आता होगा। और ये इनका फार्म हाउस है ना ज़बरदस्त। तो ये है, इतना तो मैंने आपको दिखा दिया ठीक है, अभी और चलेंगे आगे और आपको मैं अपडेट्स देता रहूँगा, साथ के साथ ही बताता रहूँगा। अभी हम यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया है तो हम निकल रहे हैं अब यहाँ से ठीक है, आप दूसरी जगह जाएंगे फिर दूसरी जगह का आपको अपडेट देंगे। तो ये है, और धूप भी अभी काफ़ी तेज़ है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, अब दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह का फिर आपको अपडेट देंगे। ओके बाय। हाँ जी, तो अभी मैंने जो बताया था आपको कि यहाँ पे एक मेरे सदीक हैं जो सूडान से हैं, इनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, अरबी आती है ठीक है। तो अभी मैं उनसे आपको थोड़ी बातचीत कराऊँगा ठीक है। तो ये हैं, अस्सलाम वालेकुम सदीक कोइस, अल्हम्दुलिल्लाह कोइस, चिंता आई वाह कुल्लू कोइस, अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लू कोइस, आई वाह कुल्लू कोइस, अल्हम्दुलिल्लाह मियां 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 मियां, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्रन 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 सदीक, शुक्रन शुक्रन के उशु इंता शशमा खादा कलाम हादा कुल्लू नफर अहमद, शुक्रन अहमद, इनका नाम है अहमद ठीक है। तो सूडान से हैं, काफ़ी प्यारे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं ठीक। तो इनसे मैंने आपको मिलवा दिया ठीक है, और भी जैसे जैसे मिलते जाएंगे लोग मैं उनसे भी आपको मिलवाता रहूँगा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, माई सेल्फ तौकीर हुसैन एंड हिज माई एल्डर ब्रदर। तो मेरा नाम समीम हुसैन है और बेसिकली हम लोग इंडिया से हैं और अभी इस वक्त हम लोग सऊदी अरेबिया के हाइल सिटी में हैं। तो हम दोनों भाइयों का एक विजन है, एक पर्पस है ये वीडियो बनाने का, और वो पर्पस ये है कि हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इस चैनल का नाम है द सऊदी व्लॉग। इस चैनल पर काफी अच्छे और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे ठीक है। तो साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हम पूरे हाइल रीजन को एक्सप्लोर करेंगे ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, तो आप सब साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, हम आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि हाइल सिटी कैसा है और कितना खूबसूरत है।
और साथ ही हम अपनी रियल लाइफ भी आपको दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं और गल्फ लाइफ कैसी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड। रुको जरा, सबर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो व्हाट इज अप भाई लोग, क्या हाल है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं यहाँ पे, तो मैं अभी आया हूँ बाहर, अभी थोड़ा वर्क साइड पे आया था, यहाँ शबाबा में हमारा थोड़ा काम था। तो यहाँ का मौसम कुछ अलग ही दिख रहा था, तो सोचा एक वीडियो बना लूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो काफ़ी यहाँ पे प्यारा मौसम हो रखा है, आप देख सकते हो पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है, हर जगह पूरा कोहरा। ये जो पीछे जो है माउंटेन्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे माउंटेन्स है, छुपा हुआ है, पूरा छुप गया है ये कोहरे की वजह से, आप देख सकते हो। ठीक है, ये पीछे जो ये बड़े बड़े घर है सऊदी लोगों के हैं, हमारा इसी में काम चल रहा है, तो सोचा एक बार थोड़ा वेदर वगैरह भी दिखा दूँ। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, काफ़ी साफ है, काफ़ी साफ सुथरा है, और लोकेशन भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सुंदर है। ये जो ये क्या बोलते हैं शबाबा जो है ना, ये पोर्श एरिया में काउंट होता है। काउंट क्या होता है, ये पोर्श एरिया ही है, यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं बहुत ज़्यादा रईस है। ठीक है, इतने रईस है, इनके पास इनकी गाड़ियाँ देखोगे तो मन करता है कि बस मत पूछो, मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया होगा, है ना। तो काफ़ी अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा सा काम था, एक मुजल्ला बनाना था, तो उसी की वजह से हम आए हुए हैं यहाँ पे। थोड़ा भैया भी थे तो वो अभी अंदर ही है, साइड पर ही है, काम देख रहे हैं। मैंने सोचा है थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं बाहर आ गया थोड़ा टहलने के लिए। तो व्यूज़ बहुत ही प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो पूरा कोहरा कोहरा हो रखा पूरा, काफ़ी अच्छा व्यू है। अब पूरा जो है एरिया ये खाली है, घर जो है थोड़ा डिस्टेंस पर ही है, काफ़ी अच्छा व्यू है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो एरिया है सुनसानी है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, ये लोग इतने बजे तक तो सोते ही रहते हैं, पूरा एरिया सुनसान है, खाली हो रखा है। तो मैं आपको अच्छे से एक बार पूरा 360 व्यू आपको दिखाता हूँ यहाँ का। ठीक है, ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, कितना सुंदर लग रहा है। जो कोहरा है पूरा माउंटेन्स के नीचे आ रखा है, और कभी कभी यहाँ पे ऐसा होता है कि जो बादल होते हैं ना, ये पूरे माउंटेन्स के बीच में से जाते हैं, तो वो जो लोकेशन होता है, वो जो व्यू होता है ना, वो देखने का मज़ा ही अलग आता है। ठीक है, बहुत प्यारा लोकेशन आता है जब वो आएगा ना ऐसा, तो मैं फिर से क्या नाम है व्लॉग बनाऊंगा, उसमें ज़रूर वो क्लिप ऐड करूँगा, देखना काफ़ी प्यारा है। तो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, ये पूरा माउंटेन जो है ये पूरे फॉग में छुपा हुआ है, पूरा फॉग हो रखा है, वरना पूरा माउंटेन एकदम क्लियर दिखता है। जो यहाँ का लोकेशन है पूरा, अभी तो खाली है एरिया, कोई इतनी चहल पहल नहीं है, अभी सब अपने घर में ही हैं। ठीक है, ये देख सकते हो इन लोगों के घर, घर को अरबी में बेत बोलते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी पुराने वीडियो में, है ना। देख सकते हो काफ़ी पोर्श इलाका है, इनके घर भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत अच्छा इलाका है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। तो अभी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 8-9 के करीब है, तो ठंड है यहाँ पे अभी। ठीक है, आप तो देख सकते हो फॉग की वजह से। ठीक है, तो मैं थोड़ा पास ले जाके आपको दिखाता हूँ, ये माउंटेन के पास चलता हूँ, ये दिखाता हूँ, वहाँ से क्लियर दिखेगा सब कुछ, ये क्लियर और बढ़िया दिखेगा। तो चलते हैं वहाँ पे। इधर ये मस्जिद है, देख सकते हो ये मस्जिद है, ये माउंटेन्स है। तो अभी हम पास चलेंगे, पास चल के आपको दिखाता हूँ मैं।
कैसा लगता है। काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना वो यहाँ पे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े। इन लोगों का बिजनेस भाई मेनली आउट ऑफ सऊदी होता है, आउट ऑफ सऊदी फॉरेन में, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया। ये दिखने में तो पास लगते हैं पर एक्चुअली में बहुत दूर दूर होते हैं यार, जाते आते पाँव दर्द होने लगते हैं। अभी उतने दूर से मैंने दिखाया था, काफ़ी पास लग रहा था, काफ़ी नज़दीक लग रहा था। देखो जब चल रहा हूँ मैं तो कितना दूर लग रहा है ये। और यार ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कर दोगे ना तो एक सपोर्ट मिलता है और एक मोटिवेशन मिलता है दूसरी वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। देखो पास आ गए हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको। कैसा लगा व्यू कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लोकेशन आपने देख लिया, शबाब अदापुर शेरिया है ना, और व्यू भी एक नंबर का व्यू है, बहुत ज़बरदस्त है व्यू। तो अभी मैं जा रहा हूँ वर्क साइट पर ही दोबारा, जहाँ पे हम काम कर रहे थे। दोबारा उतना दूर चल के जाना पड़ेगा। और मुझे ना कमेंट में सजेस्ट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है। और कुछ देखना चाहते हो यहाँ पे सऊदी में तो वो भी बताना, मैं उसकी भी वीडियो कोशिश करूँगा कि मैं बना सकूँ। अभी जो इन लोगों की लैंग्वेज होती है सऊदियों की, वो ज़्यादातर समझ में नहीं आती क्योंकि काफ़ी हार्ड होती है, फिर भी थोड़ा बहुत आदमी समझ जाता है जो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। अभी मुझे एक साल हो चुका है सऊदी में रहते हुए, हमारे यहाँ पे खुद का वर्कशॉप है, हम काम करते हैं यहाँ पे, एंड काफ़ी हद तक अरबी आ चुकी है बोलनी, तो बोलते जो भी बोलते हैं वो समझ आ जाता है, क्या कहते हैं क्या नहीं, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, वो सब समझ आ जाता है। हमारा यहाँ पर आयरन वर्क का वर्कशॉप है, ठीक है, मेनली यहाँ पे आयरन वर्क से होते हैं ज़्यादातर, आयरन से रिलेटेड हर एक चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा भी होगा, जो हमने एसी स्टैंड बनाया था उसकी भी हमने वो दिया था आपको, ट्यूटोरियल दिया था कि कैसे बनता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। है ना व्यू काफ़ी प्यारा। चलो चलते हैं अब, बाकी रास्ते में जो भी दिखेगा मुझे रास्ते में फिर से वीडियो बनाऊंगा मैं, जो अच्छा व्यू होगा, अच्छा लोकेशन होगा, अच्छी चीज़ें होंगी, उन चीज़ों की मैं दोबारा एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बहुत अच्छा लोकेशन है, यही है शब बाबा, जैसे मैंने बताया आपको, पोर शेरिया, ये बच्चों के खेलने के शीशों वगैरह हैं यहाँ पे, स्विंग्स वगैरह हैं सारे, ठीक है। शाम के टाइम जब यहाँ पे लाइटनिंग होती है तो और बहुत प्यारा लगता है ये। शाम के टाइम में ये जो स्टॉल वगैरह हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देख सकते हो, मैंने जूम किया है, ये स्टॉल वगैरह में सब खुलते हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पे शाम के टाइम का, काफ़ी क्राउड होता है, क्राउड में भी बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। तो कभी किसी दिन
शाम को आऊंगा मैं तो आपको दिखाऊंगा इसका व्यू शाम के टाइम का कैसा होता है, ठीक है। बाकी तो इतना ही है अभी के लिए, बाकी अब हम निकल रहे हैं यहाँ से तो सोचा एक व्यू लेना बनता है, ठीक है। शाम के टाइम ये जो माउंटेन है ना यहाँ पे LED लाइट से वेलकम लिखा हुआ आता है, बहुत बढ़िया लगता है देखने में जो लोकेशन जो आता है शाम के टाइम का वो भी। चलो किसी दिन शाम के टाइम भी यहाँ पे टहलने आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा यहाँ का लोकेशन बिल्कुल, ठीक है। ये जो यहाँ पे स्टॉल वगैरह है यहाँ पे फास्ट फूड मिलते हैं, फास्ट फूड कॉर्नर है यहाँ का। हमारे कुमार भैया हैं, ये कुछ कह रहे हैं तो इसमें बोलो। जो यहाँ पे जो गाड़ियाँ होती है ना जो फास्ट फूड के लिए, इसको देखने में बहुत ये लाजवाब चीज़ है, इसको देखिए यहाँ पे। ये सब ऐसी चीज़ें जो इंडिया में नहीं मिलती हैं, खास करके सऊदी में इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है, जैसे कॉफ़ी शॉप हो गया और यहाँ पे एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। दिखाइए 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 आगे ले जाके, ये देख सकते हो सब यहाँ पे फास्ट फूड मिलते हैं, फास्ट फूड हर एक चीज़ फास्ट फूड है यहाँ पे, हॉट डॉग, टैकोस, डोनट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक, जूसेस, हर एक चीज़ मिलती है। देख लो इनका जो ये है स्ट्रक्चर है जो शॉप का, कितना देखने में कितना बढ़िया लगता है, खूबसूरत सा है। रात को तो और लाजवाब होती है, रात में तो मत पूछो, रात में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब दिखता है ये, क्योंकि लाइटिंग वगैरह होती है। अभी तो सुबह का टाइम इतना नहीं दिखेगा, रात के टाइम बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। देखो ये देख सकते हो, अपने इंडिया में ऐसा नहीं दिखता, बहुत ही कम जगह है जहाँ पे दिखता है ये। मैंने बस एक आध बार ही देखा है, ज़्यादा तो नहीं देखा क्योंकि वहाँ पे ये सब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे है। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह भी जहाँ इनका मन करे वहाँ लेके जा सकते हैं। देख सकते हो टायर वगैरह तो लगे ही हैं इसमें, गाड़ी में बांधते हैं सीधा लेके जाते हैं। टायर को अरबी में बोलते हैं, टायर को अरबी में कफ़र बोलते हैं, कफ़र, ठीक है। ये आइसक्रीम कॉर्नर है, सारे आइसक्रीम कॉर्नर है, इधर पीछे जो था वो फास्ट फूड कॉर्नर था। तो जैतून का पेड़ है यहाँ पे, ये तो खजूर का पेड़ है। डेकोरेशन देखो कितना अच्छा सजा रखा है इन लोगों ने, अच्छा लगता है देखने में। जैतून ऑलिव ऑयल आपको पता ही होगा, ऑलिव ऑयल है ये, और ये जैतून और दो ही पेड़ लगा रखे हैं, जैतून और खजूर का पेड़। और बाकी नीचे ये जो है फ्लावर्स वगैरह हैं, अब ये तो नहीं पता मुझे फ्लावर्स का क्या नाम है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक। बाकी तो ये है, आगे भैया इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी में, अब हम बैठेंगे जाएंगे फिर अब वापस वर्कशॉप में। तो अभी के लिए इतना ही, फिर कभी आएंगे शाम के टाइम तो शाम के टाइम का आपको लोकेशन वगैरह दिखाऊंगा यहाँ पे कैसा यहाँ का व्यू होता है, ठीक है। तो मैं निकल रहा हूँ अब वापस वर्कशॉप के लिए, जो और भी काम है तो यहीं पर सारा टाइम निकल जाएगा, तो फिर और काम, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। बहुत ही प्यारे और बहुत ही हसमुख के आदमी हैं, बस इन्हें हमेशा एक ही चीज़ की परेशानी होती है, ये जब भी इनसे समाचार पूछो तो एक ही बात बोलते हैं, घर जाएंगे बीबी के पास। हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम है स्प्लिट स्टैंड। ये काफ़ी हैवी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है,
अपने इंडिया में ये नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने भी एसी लगवाया है अपने घरों में, बहुत सारे एसी लगवाया है, लेकिन इस टाइप का मैंने स्टैंड नहीं देखा है। और ये स्टैंड जो है ये पूरे हाइल सिटी में हम लोग सप्लाई करते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे हमारी कंपनी बनाती है और हमें इसका टेंडर मिला हुआ है। जो स्प्लिट स्टैंड है, बहुत सी कंपनी है जो अपने इंडिया में भी अवेलेबल है और कुछ यहाँ पे अलग ही भी कंपनी है, मैं जिसका नाम नहीं लूँगा। और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये कैसे बनाते हैं और ये कैसा दिखता है। तो ये इस तरीके का दिखता है, ये तीन साइज में बनते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो स्प्लिट स्टैंड जो ये एयर कंडीशन है ये तीन ही साइज में बनती है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इसका होता है हाफ टन और डेढ़ टन और दो टन और ढाई टन का, इसके साइज में होते हैं, ये टन के हिसाब से मिलती है। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये फिटिंग कैसे करते हैं। तो मैं अभी कैमरा से आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें छः होल है, तीन पीस लेफ्ट में और तीन पीस राइट में। और बस इसको फिटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका है, तीन लेफ्ट साइड में नट बोल्ट लगेंगे और तीन राइट साइड में, और इसको वाल में हैंग कर देंगे और ये बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है। और इसके ऊपर हम कितना भी वेट डाल लें ये ख़राब नहीं होता है। तो चलिए ये बनता कैसे है और ये इसकी लंबाई चौड़ाई और साइज तो मैंने आपको बता दिया, इसको बनाते कैसे हम अपनी कंपनी में, तो चलिए मैं आपको अपनी कंपनी के अंदर ले चलता हूँ। तो हम अपने वर्कशॉप में आ गए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। ये हमारे कुमार भाई हैं जो यही अभी अकेले काम कर रहे हैं, बाकी अभी हम लोग दूसरी साइड पे जाने वाले हैं। तो अभी आप देखिए ये फ्रेम जो है, ये फ्रेम 50 सेंटी बाई 1 मीटर का है और जो इसका जो वॉल हैंगिंग वाला जो पाँव है इसका 50 सेंटी है। तो देखिए ये कैसे 1 बाई 1 एक एक करके आपको दिखाएंगे ये कैसे बनाते हैं, और इसे बनाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और ये काफ़ी मतलब कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है और फिटिंग भी अच्छी हो जाती है, सेफेस्ट है। तो आप देखिए फिर हम आपको बताते हैं। ये जो वेल्डिंग हो रहा है ये आर्क वेल्डिंग है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है। और आप लोग बताइएगा कि इस टाइप का फ्रेम इंडिया में अगर कहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस स्टेट में इंडिया के इस टाइप का फ्रेम मिलता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे इस टाइप का काम और इससे रिलेटेड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये भी कमेंट करके बताइए, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो और हम बनाएंगे और आपके पास भेजते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे इसके अभी ऑर्डर हैं, ये बने हुए हैं। तो आप ये बताइए कमेंट करके कि आपको ये काम कैसा लगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन होगी और हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो फिर थोड़ा हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं और थोड़ा हम भी सैड हो जाते हैं कि हमारे इतने मेहनत करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। फ्रेंड जैसे आपको मैंने बताया था कि फाइनल होने के बाद दिखाएंगे, तो अभी ये देखिए ये सारा स्प्लिट स्टैंड जितने भी हैं ये सारा तैयार हो गया है। ये लगभग अभी ज़्यादा नहीं है, 60-65 पीस होगा और अभी इसको हम पेंट मारने जा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि पेंट के बाद ये एक पीस कैसा होता है पहले का ये। और हमने ये बना के रखा हुआ है, ये इस तरीके से हम लोग इधर एडजस्ट करके रखते हैं, ताकि अगर इसको फैला के रखेंगे तो ये काफ़ी स्पेस ले लेगा, इसीलिए हम लोग इसको एक के ऊपर एक इसे एडजस्ट करके रखा जाता है।
तो देखिए अभी ये पेंट हो रहा है और ये हमारे कुमार भाई हैं, वही पेंट मार रहे हैं। बहुत ही प्यारे और बहुत ही हंसमुख के आदमी हैं। बस इन्हें हमेशा एक ही चीज़ की परेशानी होती है, ये जब भी इनसे समाचार पूछो तो एक ही बात बोलते हैं, घर जाएंगे बीबी के पास। तो दोस्तों देखिए अब ये फाइनल पेंट हो गया है, अब इसका बस एक स्टेप और बाकी है बैक साइड से पेंट मारने के लिए। कुमार भाई हैं, ऑलराउंडर हैं, पेंट मार रहे हैं। फ्रेंड तो देख लीजिए अभी ये जो है सारा वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप ऐसे उठा के, जैसे आपको बताया था कि ऐसे गोल गोल घुमा के रखा जाता, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा। अब आप बताइए आपको ये पूरा प्रोसेस कैसा लगा और आपको काम कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात ये भी ज़रूर बताइएगा, अपने इंडिया में ये मिलता भी है या नहीं, अगर मिलता है तो किस स्टेट में मिलता है और आप लोग किस स्टेट के हैं वो भी आप बताइएगा। तो हेलो भाई लोग, हम हैं अभी इस वक्त हाइल के एयरपोर्ट पे। अभी मैं छुट्टी जा रहा हूँ, हॉलीडे पे जा रहा हूँ, तो आए हुए भैया आए हैं दोनों मुझे छोड़ने ड्रॉप करने के लिए। कुमार भैया हैं, समीम भैया हैं। तो सामान वगैरह तो मैंने सब पैक कर लिया है, देख सकते हो रैपिंग वगैरह है, देख सकते हो लिखा हुआ हाइल टू दुबई टू दिल्ली, मेरा नाम भी है, नंबर भी है, इस नंबर पर कॉल मत करना पर्सनल नंबर है। अब इसके बाद मैं जाऊँगा अंदर बोर्डिंग वगैरह करवाने, थोड़ा अंदर टाइम लगेगा। वैसे तो फ्लाइट है 4:35 का, पर अभी मैं आ गया हूँ, इस टाइम 1:30 बज रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलेंगे अंदर, थोड़ा जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके उसके बाद चलेंगे। थोड़ा एयरपोर्ट का मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, व्यू दिखा रहा हूँ। बोर्ड देख सकते हो, डिपार्चर मतलब यहाँ से जाना है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल अरबी में भी लिखा हुआ है, अरबी आता है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो सब है क्या नाम, लगेज पैकिंग वगैरह का है, एक पैकेज का, एक लगेज का लेते हैं ये 35 रियाल, इंडियन करेंसी के हिसाब से 7 रुपये। देखो हमारे भैया हाय बोल रहे हैं जिन्होंने पैकिंग किया है हमारा। ठीक है, तो इसके बाद चलेंगे अंदर, अंदर का थोड़ा आपको दिखाऊँगा व्यू कैसा है, क्या करते हैं फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, तो चलते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ बोर्डिंग रूम में, मेरा बोर्डिंग वगैरह तो हो गया है, अभी थोड़ा अभी फ्लाइट का इंतजार कर रहा हूँ, तो देर आया हुआ है, जो टाइमिंग है वो है 4:35 की टाइमिंग है, अभी यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं, अभी 1 घंटा है पूरा, तो अभी यहाँ पर थोड़ा वेट करूँगा, प्लेन आएगा तो यहाँ से फिर क्या देते हैं जो फॉर्मेलिटीज होंगी, बोर्डिंग पास वगैरह चेक करेंगे एंड रो वाइज बुलाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रो होते हैं, 3 रो को अलग अलग बुलाएंगे, पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो, तो जब बुलाएंगे तो उसके बाद मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरा रिस्ट्रिक्शन होता है, कैमरा ऑन वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो अभी यही है वेटिंग रूम में, मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद फिर जब फ्लाइट आएगी तो थोड़ा बहुत आपको वीडियो दिखाऊँगा। फ्लाइट मेरी जो है फ्लाइट दुबई है, अभी मैं यहाँ से दुबई लैंड दुबई जाऊँगा, वहाँ पे लैंड करूँगा तो वहाँ पे 2.5 घंटे का वेटिंग है, फिर वहाँ से मैं दिल्ली के लिए प्लेन चेंज करूँगा, यहाँ पे जो प्लेन चेंज कर रहा हूँ। तो यही है, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का भी वेटिंग रूम में काफ़ी क्राउड है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, काफ़ी कंट्रीज़ के हैं, पाकिस्तान के, कुवैत के, ये कतर के, सऊदी के भी हैं, जो लोग बाहर घूमने जाते हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बांग्लादेश के भी लोग हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं अलग अलग कंट्रीज के। तो वीडियो में फिर अभी आगे आपको और दिखाऊँगा, थोड़ा बहुत यहाँ का मैं आपको अंदर का वो व्यू दिखाता हूँ। आ गया हूँ फ्लाइट के अंदर, अभी मेरी बोर्डिंग वगैरह हो गई है पूरी, देख सकते हो विंडो सीट मिला है, बताया था व्यू काफ़ी प्यारा आएगा, अभी यहाँ से वीडियो बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो बोर्डिंग हो गई है मेरी, अभी जस्ट जो मेरा सीट नंबर था 21A था, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो 21A भी लिखा हुआ है। तो अब हम निकलेंगे दुबई को, दुबई फ्लाइट दुबई, अब हम निकलेंगे दुबई,
देन फिर वहाँ पे क्या होगा, कहाँ से जाते हैं, कैसे जाते हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर ऊपर के ट्रैफिक का थोड़ा बहुत आपको नज़ारा भी दिखाऊंगा। अभी पहुँच गए हैं हम यहाँ पे, काफ़ी मतलब अभी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, काफ़ी देर से वेटिंग रूम में था, काफ़ी मतलब थक गया था, अभी थोड़ा बैठा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सफोकेशन कम है, थोड़ा एरिया मुझे एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक लग रहा है यहाँ का। तो अब हम जाएंगे दुबई, दुबई वीडियो बना के दिखाऊंगा सारी चीज़ों का। अभी तो यहाँ पे थोड़ा एक आध रिव्यू भी मैं बनाऊँगा, सीट मुझे काफ़ी अच्छी मिली है, बकायदा बाय लकीली मुझे काफ़ी अच्छी सीट मिल गई यहाँ पे, एकदम रियर व्यू विंडो फ्रंट व्यू है, रियर विंडो फ्रंट व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, जो प्लेन की विंग्स है वो एकदम क्लियर मुझे दिख रही है, काफ़ी अच्छा है। अभी थोड़ा बहुत लाइटली म्यूजिक प्ले हो रहा है ट्रेन में, एसी वगैरह ऑन है। अब यहाँ पे ठंड बढ़ेगी, इसमें ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी जब ये टेक ऑफ करेगी। अभी सर मतलब लोग अभी आ रहे हैं इसमें, धीरे धीरे प्लेन जो है फिल हो रही है, जिन जिनको आना है वो आ रहे हैं, लास्ट कॉल अभी शायद दे रहे होंगे जिनका लास्ट कॉल होगा, अगर वो नहीं आएंगे तो उनका फिर जो प्लेन है वो मिस हो जाएगा। मैं तो आ गया हूँ टाइम से जल्दी, मैं घर से भी जल्दी निकला था, एयरपोर्ट पे जल्दी पहुँच गया था, मुझे पता था क्राउड काफ़ी ज़्यादा मिलेगा इस वजह से जल्दी आ गया, जल्दी सीट मिल गया, सीट भी काफ़ी बढ़िया मिला है। Good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to welcome you on board this flight SC888 bound to Dubai, and extend special welcome to our Skywalk members. Please now place your hand luggage, including laptops, in the overhead locker at the seat in front of you. Before takeoff, headphones should be removed and electronic devices should be off. सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑफ करना पड़ेगा जब ये प्लेन टेक ऑफ होगा। ऑडिबल होगा जो पायलट बोल रहे हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहे हैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, सीट बेल्ट को अच्छे से बांध के रखना है टेक ऑफ के टाइम पे। बाकी प्लेन में भी इतना ही, जब लैंडिंग का टाइम होगा या टेक ऑफ का टाइम होगा मैं फिर से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अभी प्लेन जो है रनवे पे आ गई है, अभी टेक ऑफ के लिए रेडी है ये, अभी टेक ऑफ करेगी, धीरे धीरे स्पीड अपनी बढ़ाएगी, अभी सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अभी भी चल ही रहा है बता रहे हैं, टेक ऑफ के लिए वैसे तो रेडी है। अभी मेरा सेल फोन वगैरह ये लोग स्विच ऑफ करवा देंगे थोड़ी देर में, एज़ अ कार्टून के थ्रू आप देख सकते हो, एनिमेशन के थ्रू ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी फ्लाइट रनवे पे जा रही है, रनिंग मोड में आ गई है वैसे तो, अभी तो रनवे पे जाएगी प्रॉपर जहाँ से वो अपना टेक ऑफ लेगी स्पीड में, अभी वहाँ पे पायलट लेके जा रहे हैं। फ्लाई दुबई, अभी डायरेक्ट दुबई जाएगी, दुबई से फिर मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा दिल्ली के लिए। रनवे को जाती हुई प्लेन से होकर टेक ऑफ, एयर होस्टेज वगैरह ने मुझे देख लिया तो मेरा फ़ोन ले लेंगे ये वीडियो बनाने के लिए, अलाउ नहीं होता वैसे ये वीडियो वगैरह बनाना ऐसे प्लेन में, बट फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो बनाना है यूट्यूब चैनल पर डालने के लिए। अभी तो स्पीड इसकी धीरे है, जब फुल स्पीड में आएगी तब देखना इसकी रियल स्पीड, जब ये टेक ऑफ करेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी टेक ऑफ करेगी अगर सब कुछ सही से हुआ तो, अगर किसी ने ना देखा एयर होस्टेज तब। अभी थोड़ा बहुत रनिंग कंडीशन में आई थी, अब जाएगी ये रनवे पे, रनवे पे जाने के बाद जो है टेक ऑफ मोड में आएगी, तब तक आप थोड़ा बहुत ये देख सकते हो कैसे भी है। अभी ये टर्न ले रहा है, अपने मेन लेन में जा रहे हैं जहाँ से इसको टेक ऑफ कर, नहीं पता ना। अभी देखो, अभी स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अभी
देखना, एंड हाइट देखना धीरे धीरे, काफी ज्यादा स्पीड में है, 100 से ऊपर है, 100-200 की स्पीड से ऊपर है, बहुत ज्यादा स्पीड है। Thank you.
passengers, please sit down. Sit down, please. दूर तक मौसम साफ एकदम क्लियर है, हवा भी चल रही है यहाँ पे टॉप पर। और उस साइड देखोगे तो थोड़ा शहर टाइप शहर वहाँ पे दिखेगा आपको, काफ़ी नीचे है वो, काफ़ी नीचे हम काफ़ी ऊपर हैं। वीडियो से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा, वहाँ पे लोग हैं बाइक चला रहे हैं यही वाली, काफ़ी दूर है वो अभी हमसे। तो ये है यहाँ का व्यू, ये है डेजर्टेड एरिया, थोड़ा आप भी देख लो यहाँ पे जो यहाँ का व्यू है। तो अभी इसका बाइक का ना इंजन स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे, इसका वॉइस सुनना कितना लाउड इसका वॉइस है। काफी लाउड है इसका वॉइस, बहुत ज्यादा। अब पावरफुल इंजन भी है, ये आराम से चल पा रही है पर हम आराम से नहीं चल पा रहे, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे। पाँव मेरे मिट्टी में धंस रहे हैं, ना ही ग्रिप मिल पा रही है ना ही कुछ मिल पा रहा है, और थकान और भी हो रही है इसमें चलने पर। तो एक राइड मैंने भी लिया था बाइक का, एक्सपीरियंस बिल्कुल बहुत बेकार था क्योंकि ये मिट्टी बहुत स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है, ना बाइक चल पा रहा है ना ही मैं चल पा रहा हूँ। चलो अब नीचे चल रहे हैं, काफी साफ व्यू है यहाँ का, काफी ऊपर आए हुए हैं।
फाइनली हम व्लॉग हमारा हो गया है अब ख़त्म। हमने जो बाइक है वो वापस भैया को हैंड ओवर कर दिया है। अब हम निकलेंगे अपने घर की ओर, अपनी नगरी की ओर। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कुछ कहना चाहोगे? जी क्या कहें, 15-20 साल हो गया हमारा भी। अच्छा, 15-20 साल से मतलब यही आपका काम है? यही हमारा काम है। मतलब तो प्रॉफिट वगैरह तो होता ही होगा, आते हैं लोग वगैरह तो आते ही आते हैं, लोग तो आता है। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंजार नाम है हमारा। कहाँ से हैं हम? मुजफ्फरपुर बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं। चलिए बहुत बढ़िया, मिलके आपसे बहुत बहुत खुशी हुई। हाँ, इंशाल्लाह आएंगे दोबारा। जी इंशाल्लाह, कभी भी आओ। नहीं आएंगे अभी, एक आध हफ्ते के बाद फिर दोबारा आएंगे हम। ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून, बने रहो, बाय बाय। ये देखिए, ये हम लोग आ गए हैं नकबेन, और ये यहाँ पे रोड कैमरा भी लगा हुआ है। ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पे शीशा वगैरह पीते हैं, जो अपने वहां बोलते हैं हुक्का चिल्लम। यहाँ पे इनका हुक्का चिल्लम पीने के लिए एक अच्छा सा अलग सा जगह बनाया है। देखिए ये है नकबेन, ये नकबेन सिटी में पड़ता है। अभी हम लोग रोड के ऊपर है, हाईवे पे ही है। अंदर का वीडियो किसी दिन जरूर आपको दिखाएंगे। आप ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको माउंटेन्स ही मिलेंगे। इसके अलावा तो मैं, मुझे काफी टाइम हो गया यहाँ पे, 15-16 साल हो गए हाइल सिटी में। मुझे ज्यादातर तो बस काफी खाली खाली सा एरिया है, कुछ रियाद जद्दा दमाम जैसा ये क्राउड एरिया नहीं है, काफी शांत और काफी खाली एरिया है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ माउंटेन्स ही दिखेंगे। तो आप देखिए, अभी हम आ गए, ये गोल चक्कर नकवेन का है। यहाँ से सिटी में जाने के लिए लेफ्ट राइट दोनों तरफ सिटी है, लेकिन ना तो हम लेफ्ट जा रहे हैं ना राइट जा रहे हैं, हमें स्ट्रेट चलेंगे। हमें अभी लंबा जाना है तकरीबन, और हमें 55 किलोमीटर के आसपास में जाना है। आज हम यहाँ पे भी स्टॉल लगा हुआ है हर एक जगह पे। आजकल क्या करें क्या बताएं आपको दोस्तों, यहाँ पे भी काफी बेरोजगारी सा माहौल हो गया है, और हर कोई कुछ ना कुछ स्टॉल लगा के अपना जीविका चला रहा है। ये देखिए कितना खाली खाली सा एरिया है, ओपन एरिया है बिल्कुल। अब इसके बारे में क्या बताऊं, सिर्फ माउंटेन ही है और खाली ग्राउंड है, तो आप लोगों को पता ही होगा। हम लोग जाएंगे अल गुलबान, जगह का नाम है अल गुलबान। ये देखिए, ये देखिए खाली एरिया में, बताइए ये भी स्टॉल लगा के कुछ ना कुछ अपना सेल कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, पहले तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। कोई नहीं दोस्तों, आपको हर एक चीज बताएंगे, जैसे हमने आपको अपने इंट्रो वीडियो में बताया था
कि हाइल के बारे में हम आपको हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें बताएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बताते रहें। और आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, और अगर लाइक करेंगे तो इससे हमें वीडियो बनाने का क्रेज और भी रहेगा कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। और आप कमेंट लाइक नहीं करेंगे तो फिर हमें वीडियो बनाने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे सुफद नफान, जो आपको बताया था। ठीक है, पूरे देख सकते हो डेजर्टेड एरिया है पूरा ये। यहाँ पे ये बाइकें वगैरह है, यहाँ पे देखो ये लोग जो हैं यहाँ पे बाइक वगैरह चला रहे हैं जो रेगिस्तानों में चलती है, और हवा काफ़ी तेज चल रही है। तो अभी हम भी एक बाइक लेंगे, चलाएंगे, देखेंगे मज़ा आता है कि नहीं आता, सब कुछ देखेंगे, ट्राई करेंगे। एंड जो यहाँ पे रेत है, देखो रेत बहुत वैसी है, मैं इसमें चल नहीं पा रहा ठीक से, मेरे पाँव अंदर की ओर धंस रहे हैं। पर ये है बाइक यार, ये चलानी आती नहीं है। तो कह रहा भाई हमारा कि बाइक आसान है, ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है। तो भाई ले रहे हैं वहाँ पे, देखो भैया ट्राई कर रहे हैं, तो हम भी एक बार ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा लगता है चलाने में। वो लेके गए बाइक, ये देखो भाई को, ये एक्सपर्ट है, यहीं का बंदा है, वही चला रहा भगा के। इनको देखो ये भी चला रहे हैं, बहुत सारी बाइकें लगी हुई हैं यहाँ पे। ये सारे सऊदी लोग भी आए हैं, उनके क्या नाम है, बच्चे वगैरह भी चला रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे है, मजा आ रहा है। दूर दूर तक खाली रेत ही रेत है, हर जगह रेत है। ये लोग इस चीज़ का बिजनेस करते हैं, ये मतलब जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं घूमने, वो यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, उनको काफ़ी मज़ा आता है ये सब चलाने में। सऊदी लोग भी काफ़ी शौक से चलाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो और भी चला रहे हैं, लोग चला रहे हैं यहाँ पे, भैया भी चला रहे हैं, अभी रुके हुए हैं। तो अभी हमने एक बाइक लिया है ट्राई करने के लिए, हम निकल गए हैं आराम से यहाँ गिर जाएंगे भाई, तो चोट लग जाएगी। तो अभी देख सकते हैं हमने बाइक तो ले लिया है, डर लग रहा थोड़ा चलाने में, चलाना आता नहीं है, पर भाई ने थोड़ा समझाया है कैसे कैसे चलाते हैं, तो एक बार ट्राई करूंगा, देखता हूँ कैसे क्या इसको करते हैं। ठीक है, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है ऊपर आने में यार, ये डेजर्टेड, सही में डेजर्टेड एरिया, उसमें चलने में बहुत दिक्कत होती है। सांस पूरी की पूरी फूल गई है अभी, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस से मैं पैदल आया हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी डिफ़िकल्टी से मैं ऊपर चढ़ाऊँ। ठीक है, तो ये है जिससे हम आए हैं, ये बाइक भाई ने दी है चलाने के लिए, तो यहाँ पर सभी यही चला रहे हैं। सैन एंड्रीज वाली बाइक है, सेंचीज, जिसको वो फोर व्हील फन जो जिस चीट कोड से ये आता था, फोर व्हील फन, सैन एंड्रीज की बाइक है ये, तो इसी से आए हैं। एंड अभी हम ऑन द टॉप है, बिल्कुल एकदम टॉप पर है, और ये जो रेत है देख सकते हो, बिल्कुल भी इसमें कोई भी स्टोन पार्टिकल नहीं है, पूरा रेत है ये, पूरा का पूरा, एंड काफ़ी स्मूथ है, दिख रहा है आपको। तो फाइनली अच्छा लग रहा है बाकी,
एंड हम मैं आपको अभी बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा कि हम कौन से जगह से आए थे। दिखने में तो पास है पर बहुत दूर है ये वहाँ पे, ठीक है। तो बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा। ये रोड के नज़दीक से हम आए हैं जहाँ से हमने बाइक लिया था और अभी हम यहाँ पे हैं ऑन टॉप। ना बाइक चल रही है ना पैदल चलना बन रहा है बिल्कुल भी। तो हमने ये बाइक रेंट पे ली थी, इनका ये चार्जेबल है, ये इनका जो पर घंटे का चार्ज है वो 60 रियाल लेते हैं पर आर का, ठीक है। और ये इतनी पावरफुल है, इसके टायर देखो, ये स्पेशली डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि ये मतलब रेत पे हम इसको चला सके। काफ़ी पावरफुल इसका इंजन भी है, पूरा इसने मतलब क्रॉस कर दिया पूरा, जहाँ हम नीचे से पूरा डाउनफॉल से हम ऊपर तक आए हैं। उधर देखो लोग अपनी गाड़ियाँ भी ऊपर चढ़ा रहे हैं, वो भी लैंड क्रूज़र से वो ऊपर आए हैं। जूम करके दिखा रहा हूँ क्योंकि लैंड क्रूज़र का जो इंजन होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा। इंडिया में जो इसका प्राइस है वो अप्रोक्स 2.5 करोड़ के आसपास है। तो जहाँ हम कहाँ से आए थे वो आपको दिखाता हूँ, वो आपको दिख रहा होगा, जूम करके मैं अभी दिखाता हूँ। उस रोड के किनारे से हम आए थे, वहाँ से हमने ये लिया था बाइक, फुल जूम हो गया, वहाँ से हमने बाइक लिया था। आप देख सकते हो इसमें भी कितना छोटा दिख रहा है वो, सोचो कितना दूर होगा। और अभी हम टॉप पर हैं, यहाँ पर आए तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, थोड़ा काम से ऑफ लिया है तो सोचा थोड़ा आज लंबा टूर मारा जाए, तो आप लोगों को मैं कहीं लेके जाऊंगा। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करवाऊंगा, उसको दिखाऊंगा कि कैसा है। और रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी, जो जैसा जैसा व्यू आएगा, ठीक है, वो सारे व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो देखो मैं इधर खड़ा हूँ, पीछे पेट्रोल पम्प के पास हूँ, एंड उसके ठीक सामने माउंटेंस वगैरह है, देख सकते हो ये व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी खुला एरिया है, ठीक। तो अभी चलेंगे हम, अभी उससे पहले हम कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेंगे। पीछे ये शॉप है, ठीक है, मार्केट है, यहाँ पे अरबी में इसको बकाला बोलते हैं, बकाला इसको बोलेंगे हम हिंदी में, जैसे सुपरमार्केट होता है ना जहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल होती हैं, चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे मिलती है, वेजिटेबल्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेंगे, फिर हम अपने टूर के लिए निकलेंगे, फिर चलते हैं अंदर, कुछ लेते हैं खाने पीने के लिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो काफ़ी बड़ा मार्केट है, यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, हर एक चीज़। ये भैया हैं सामने, अफ़गान से हैं ये, और यहाँ पे जो भैया हैं वो अफ़गानिस्तान से हैं। तो आप कहाँ से हो भैया? अफ़गानिस्तान। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, हाँ जी, मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक, माशाल्लाह। मैंने आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे सऊदी में? 35 साल हो गया। 35 साल से अभी मतलब यहीं पे है, ये बकाला ही को चलाते हैं? दूसरे जगह में। अच्छा, पहले दूसरे जगह में थे, अभी यहाँ पे आए। चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। ये है लोकेशन, हमने ले लिया है सामान, अब हम निकलेंगे अपने सफ़र की तरफ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड मैं अपडेट्स देता रहूँगा आप लोगों को। तो हमने एक लिया है, ये प्रिंकल्स लिया है, ये चिप्स है हॉट एंड स्पाइसी, ठीक है, और भी लिया है हमने, कुछ ड्रिंक्स ली है इसको, ये है मूसी, ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेज होता है, खाली ये जूस होता है, इसमें अल्कोहल नहीं होता। थोड़ा दिखने में तो लुक वैसे ही लगता है बियर की तरह, पर वो नहीं होता, बियर नहीं होता, देख सकते हो मूसी यहाँ पे लिखा हुआ है, मूसी क्लासिक। तो ये है गेहूँ व्हीट फ्लेवर है ये, और जो एक और हमने लिया है ये पोमोग्रेनेट फ्लेवर है, मतलब अनार फ्लेवर जो आता है वो अनार का आता है, इसमें देखो लिखा हुआ है पोमोग्रेनेट, ठीक है। तो हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पर, देख सकते हो बाहर का व्यू, थोड़ा बाहर का व्यू, बाकी मैं आपको अपडेट दूंगा जैसे जैसे हम आगे पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें मैं बताता रहूंगा। सामने माउंटेन्स हैं, पूरा व्यू देख सकते हो, भैया ड्राइविंग कर रहे हैं अभी। ये जो पूरा रोड है ये माउंटेन के बीचों बीच बना है, और बीचों बीच ही जा रहा है, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक माउंटेन ही माउंटेन आपको दिखेंगे, और वो मैं दिखाऊंगा आपको। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बने रहो, जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपको अपडेट्स देते रहेंगे।
हाँ जी, तो अभी मैंने ये मूसी ट्राई किया जो पोमोग्रेनेट फ्लेवर है। टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्वीटी है, ठीक है, मीठा मीठा इसका, और एकदम हाँ सेम टू सेम अनार का ही फ्लेवर है इसमें, ठीक। एंड ये जो है मूसी, जो ये व्हीट फ्लेवर है, बहुत कड़वा होता है ये, बहुत कड़वा है ये इंडिया में पता नहीं ये अवेलेबल है कि नहीं है, मैंने तो कभी देखा नहीं है ये इंडिया में, बट हाँ सऊदी में है ये, ठीक है, सऊदी में, सऊदी के हाइल रीजन है। अगर आप लोगों को मिले या फिर पता हो इसके बारे में तो हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताना, ठीक है। एंड हाँ, ये चिप्स लाया था मैं, हॉट एंड स्पाइसी, हॉट एंड स्पाइसी का दूर दूर तक तो मुझे दिख नहीं रहा, एकदम फीका फीका सा लग रहा है ये, प्रिंकल्स का है हॉट एंड स्पाइसी, देख सकते हो, पर इसमें कुछ स्पाइसी टाइप का मुझे लग नहीं रहा। एंड हम थोड़ा अपने डिस्टेंस से आगे निकल चुके हैं, अभी आ चुके हैं, अभी रेड लाइट है यहाँ पे, रेड लाइट पे दो कैमरे होते हैं, एक स्पीड बेल्ट का एंड एक मोबाइल फ़ोन का, अगर कोई ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है अगर वो फ़ोन से बात कर रहा है तो सीधा वो कैमरा कैप्चर कर लेता है एंड 500 रियाल का चलान भेज देता है। 500 का कितना हो गया इंडिया में, 500 रियाल अप्रोक्स 11-12 हज़ार के आसपास हो गया। ये बोर्ड भी देख सकते हो, हाइल सेंटर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हाइल, आगे ही पढ़ेंगे। व्यू भी बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे पार्क ये लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, अभी आधा तो हाफ तो बन गया है, और भी अभी लगने, इसमें लाइटिंग वगैरह होंगे, पेड़ पौधे लगेंगे, ये अभी बच्चों के खेलने के लिए कुछ वो शीशों वगैरह लगे हुए हैं अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे। बाकी ये मेन रोड है एंड ये रास्ते में आया है किंग सलमान हॉस्पिटल है, ये मेटर्निटी हॉस्पिटल है, ठीक है। एंड इसके आगे ही ठीक इसका मेन ब्रांच है जिसमें कार्डियो हार्ट एंड ब्रेन सेंटर है, जिसमें इसका ऑपरेशन वगैरह यहाँ पे होता है मेनली, ठीक है। काफ़ी बड़ा है देखने में, जो इसका साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी वीडियो में तो आपको काफ़ी छोटे छोटे लग रहे होंगे, पर अगर पास जाऊँगा तो ये कैमरे में नहीं आएंगे, इतना बड़ा है ये, दिखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। एंड इसके पास ही ये मस्जिद है जहाँ पे लोग आते हैं नमाज पढ़ते हैं, ये देख सकते हो। तो इतने एरिया में ये था हॉस्पिटल हमारा। अभी हम आए हैं मसीफ, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे भैया कुछ आपको बताएंगे इसके बारे में कि क्या है कैसा है, क्योंकि उनको यहाँ पे हो गया है ज़्यादा टाइम और मैं हूँ अभी नया, तो इतना मुझे अभी पता नहीं है इस जगह के बारे में। तो ये है मसीफ, और यहाँ पे जो मसीफ का मेन जो है, यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम है, यहाँ पे स्टेट लेवल का मैच भी होता है और इंटरनेशनल मैच होता है, वो भी कभी कभी स्टेट लेवल के ज़्यादा टाइम यहीं पे मैच होता है, जैसे कि तमाम, जिद्दा, गसीम, बुरेदा, ये यहाँ पे स्टेडियम है, वही मैच होता है स्टेट लेवल वाले। और आप देख सकते हैं अभी हम मसीफ सिटी में है, सिटी काफ़ी अंदर है, हम लोग इंटरनेशनल हाईवे पे हैं। ये हाईवे जो है डायरेक्ट जुब्बा, यहाँ से डायरेक्ट जुब्बा 110 किलोमीटर पड़ेगा, और अभी हम जुब्बा के तरफ निकलेंगे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे जुब्बा तो वहाँ का भी बताएंगे, लेकिन जो रास्ते में मेन मेन जो सिटीज है उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। हाइल काफ़ी छोटा एरिया है, इसकी अगर लंबाई चौड़ाई अगर बताएं तो 70 किलोमीटर की ये रेंज में है बस। और ये सामने आप मस्जिद देखेंगे, काफी बड़ा मस्जिद है, इसे जुमा मस्जिद कहते हैं। अभी हम सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, नकबेन सिटी आने वाला है, अभी हम लोग हाईवे से ही हैं। आज हम लोग जाएंगे नफूद में, नफूद बोलते हैं अरबी में, यानी जो नफूद है उसे इंग्लिश में कहते हैं डेजर्ट, ये एक रेगिस्तानी इलाका है। आज हम देखेंगे रेगिस्तान में चल के, अगर वहाँ पे काफी लोग, अभी रैली का टाइम है तो हो सकता है गाड़ी वगैरह भी आते हैं चलाने के लिए, रेस भी होती है, अगर ऐसा कुछ सीन हुआ तो उसके बारे में आपको दिखाएंगे। इसके बारे में तो अभी हम ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, अभी काफी लंबा ड्राइविंग करना है। ये
एक पेट्रोल पंप पे आ गए हम लोग। वहाँ मसीब से तकरीबन 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है और इस पेट्रोल पंप का नाम है नाई, और ये एक माउंटेन के पीछे है। यहाँ पे मस्जिद भी है और कुछ यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। फ्रेंड यहाँ पे एक चीज है, हर एक पेट्रोल पंप के पास या कहीं भी रास्ते में जैसे अपने इंडिया में स्टॉल लगा के बेचते हैं, वैसे यहाँ पे भी अभी ये लोग काम कर रहे हैं। चाहे लेडी है जेंट्स है जो भी है, हर कोई स्टॉल लगा के भी कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, क्योंकि यहाँ का भी थोड़ा सा हालत काफी खस्ता हो रहा है। जॉब वगैरह यहाँ पे भी थोड़ी सी मंदी आ गई है पहले के हिसाब से, लेकिन अभी भी अच्छा ही है। ये पूरा ये माउंटेन वाला एरिया है, ये देखिए काफी बड़े बड़े माउंटेन्स है, एरिया काफी खुले हुए है। अब इसके बारे में अब क्या बताऊं ज्यादा, माउंटेन के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, नेशनल हाईवे में है। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ टोरेस और ये क्या है बोलते हैं इसको, काइट्स है, यहाँ पे भी सेल लगी हुई है। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो सब? तो वेलकम टू माय फर्स्ट एवर ब्लॉग। अभी हम अभी इस वक्त 7 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है, एंड हम हाइल रीजन में है जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो अभी हमें काफ़ी सारे काम हैं, आज के पूरे शेड्यूल है, तो मैं आपको वो सारा शेड्यूल दिखाऊंगा कि हम कैसे क्या करते हैं, ठीक है। साइट पर जाएंगे, साइट वर्क करेंगे, ठीक है, मैं आपको वर्क दिखाऊंगा प्रॉपर पूरा, ठीक है। अभी तो यहाँ पे वेदर नॉर्मल है, 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चल रहा है, वैसे तो 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री भी चलता है, 3 डिग्री भी चलता है, ठीक है, तो वो कंट्रोलेबल नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो मैंने वार्मर पहन रखा है, अभी नॉर्मल है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ कि अभी यहाँ पे कैसा है। ये जहाँ पे अभी हम हैं ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप्स होते हैं, यहाँ पे काम होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ का थोड़ा क्लिप दिखाता हूँ।